उसके साथ में अपनी पार्टी से महिला जनरल सेक्रेटरी, जम्मू से शिवसेना की महिला वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शमीम जी है सरपंच, मेरे साथी बलवान जी है, रफीक जी है, बहादुर सिंह जी है, बुरी सिंह जी है, और नौजवान साथी जैसे आशीष जी है, जितने भी यहाँ पर रतन सिंह जी पंच हैं, बाकी जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जोरदार ताड़ियों के बीच जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका ताड़ियों से स्वागत करें। इस लड़ाई में जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सच्ची नीत सच्चे दिल से हमारे साथ जुड़े और हमारे सीनियर नेता कावला सिंह जी के साथ जुड़े, माधव चाहूंगा ठेकेदार जी श्री नूर मोहम्मद सिंह जी, मेरे नूर मोहम्मद जी मेरे नाना जी है, मैं माधव चाहूंगा भूल गया मैं नाम लेने, आप सब लोगों को आज बहुत खुशी होगी। लेकिन कुछ दिन पहले जब हम सड़कों की धूल चाटते थे तो आपको वो लोग जो अरबपति और करोड़पति हो ये बात कहते थे ये सवाल ही पैदा नहीं होता है रेट कम होगा। लेकिन हमारे दिल ने ये गवाही दी कि ये गरीब की लड़ाई है और आपको लड़नी पड़ेगी। हमने गरीब की लड़ाई लड़ी, वो लोग जुड़े जिन लोगों को गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए दिली शौक थी, कम थे लेकिन जहरीले बहुत थे। काफी लोगों का ये कहना था कि आपकी तादाद बहुत कम है, मैंने तब भी कहा था ईमानदार लोगों की तादाद बहुत कम होती है लेकिन वो बहुत जहरीली तादाद होती है। आज वो दिन हमें देखने को मिला, हम कल ही जब परसों ही देख रहे थे कुछ अपने खूबसूरत चेहरे दिखा रहे थे पब्लिक को कि रेट हमने कम करवाए, रेट कम हो गए। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं की कि नहीं यार हम जल्दी जाके अपना पब्लिक को बताएंगे हमने इतनी लड़ाई लड़ी और हम पब्लिक में ये चीज साबित करना चाहते हैं। वो हमारी सच्ची लड़ाई थी, आप और हम जानते हैं और हमारा रब जानता है, भगवान जानता है कि हमने सच्ची लड़ाई लड़ी थी। आज और उन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस ये देते हैं कि रेट कम हो गए और शुक्रिया अदा कर दो हमने कम करवाए, वो किसी पार्टी से तलक रखते हो, हमारे कावला सिंह जी भी उसी पार्टी से तलक रखते थे। अगर वो चाहते थे कि कावला सिंह जी ने फ्रंट लाइन पे आके ये लड़ाई लड़ी, हम उनको सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए और इनकी हौसला अफजाई करे ताकि लोगों को ये पता चले किस इंसान ने गरीब जनता की लड़ाई लड़ी। लेकिन हम आज भी नहीं कहते हैं कि रेट कम हो गए और आज भी हम इस रेट से खुश नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं अभी बहुत ज्यादा रेट है। बेशक एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार ने हम पे एहसान किया है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रेट कम किए हैं, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं रेट ज्यादा है, हमें दर्द है नाम कह रहे हैं यार। उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि रेट कम है या ज्यादा है, उन्होंने कहा रेट कम हो गए। उनको ये पता नहीं है कि अभी किस वजह से रेट ज्यादा है। अभी हम आरटीओ दफ्तर में जाके रेट लिस्ट निकालेंगे कि किलोमीटर के हिसाब से कितना जितना ट्रांसपोर्टर चार्ज कर रहा है क्या उसका उतना बनता है चार्ज तो लेगा, नहीं बनता है तो नहीं लेगा। हम ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे, आधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे साथियों। आप लोगों को हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, ये एक रेत का मसला नहीं है, यहाँ पे सारी पार्टियों के लोग जुड़े हुए हैं, कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं जुड़ा है, सारा कुछ पैसा नहीं है, सारा कुछ ताकत नहीं है, सारा कुछ कुर्सी नहीं है। कुछ लोग गरीबी समाज में बसते हैं जिनकी देखरेख करना हम जैसे लोगों का काम है और जितने इस मंच पे बैठे इन लोगों का काम है। और अगर सारे ही करोड़पति अरबपति बनने की ख्वाब देख लें, सारे ही सियासत का नशा देख लें, सारे ही बड़े बड़े ख्वाब देख लें तो इस गरीब जनता का क्या होगा? ये तो दे देती है वोट, ये उस वक्त भी एहसान कर देती है, चाहे आप काले चश्मे नीले कोट पहन के आओ ये तब भी एहसान करती है। लेकिन साथियों आज पता चलता है ना, जब गरीब की सच्ची लड़ाई लड़ने के लिए चुन चुन के कुछ कुछ लोग आते हैं, वो कुछ कुछ आप लोगों के लिए आते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है।
मैं कार्रवाई को शुरू करूंगा, कुछ लंबी तकरीर ना हो जाए मेरी। सबसे पहले मैं यहां मंच पे दावत दूंगा मेरे सबसे पहले मैं अपने नौजवान साथी रोमेल सिंह जी, जो कि रियासी के बब्बर शेर माने जाते हैं, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं साथियों, गलत रास्ते पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। जोरदार ताड़ियों के बीच वेरी वेलकम टू मिस्टर रोमेल सिंह यंग माय डियर ब्रदर। धन्यवाद अल्ताफ जी। भारत माता की, भारत माता की, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आप सबकी जीत है। तो मैं चाहता हूँ कि आवाज इतनी जोर से हो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट तक हल्ला। भारत माता की। थैंक यू। सम्मानित मंच, मंच में उपस्थित हमारे यहाँ की आनुशान माननीय कावला सिंह जी, जिनके नेतृत्व में हमने कड़ी धूप और बारिश में जो दमदार प्रदर्शन कर आज आपको जो रेड बजरी के रेड कम करा के दिए, मैं सबसे पहले आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ताड़ियां जाके हमारे नेताजी का हार्दिक अभिनंदन करें। साथ में ही मैं हमारे जो इस प्रेसिडेंट थे, जो इस नींव को चलाने वाले, जो हमारी इस अरनास की पावन धरती से जिन्होंने इसकी नींव रखी, माननीय सरपंच जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि सर आपकी एक रूपरेखा में इस मिशन को एक रूपरेखा दी गई, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मैं अपनी मातृशक्ति और यहाँ पे जितने भी मेरे गणमान्य व्यक्ति हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं साथियों दोस्तों आपसे एक क्लियर कट बात करना चाहता हूँ कि वो दिन दूर गया जब गुल अनाज के साथ भेदभाव होता था और जब आप लोगों को यहाँ पे खून पिया जाता था। आज आपके भाई डटकर खड़े हैं, हर साल में हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, प्राण भी देने पड़ेंगे। मेरे अल्ताफ भाई ने जैसे कहा था कि हम यूथ अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको हर चीज में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। मैं आप सब पास साथियों को मेरे भाई आशीष जी, जिन्होंने तप्तवती धूप में, याद है हमें जून का महीना था, मेरे अल्ताफ भाई बेहोश हो गए थे, यहाँ पे सब हमारा मजाक लेते थे, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब तक पीछे रहोगे ये लोग आपका खून पिएंगे। डटकर सामना कीजिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपके भाई यहाँ शेर दिल बैठे हैं, हम अपनी जान दे देंगे, आप एक आँच नहीं आने देंगे। तो मैं माननीय कमेटी के सभी मेंबर्स को एक बार फिर से बधाई करता हूँ। ये मुहिम हमने चलाई थी, बहुत ही मुश्किल थी, यहाँ पे हमें इतनी ठस दी गई कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, पार्टी किसी के घर की जागीर नहीं है, हम देखेंगे, पार्टी खुद देखेगी। यहाँ कहते हैं आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, हमने कहा वो सलाखें ही टूट जाएंगी जो हम युवाओं को जेल के अंदर करेंगे। तो ये आप सबका प्यार था, आपकी कड़ी मेहनत थी। तो मैं आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आशीष जी का आदरण करता हूँ, सुनील जी का करता हूँ, माइकल जी का करता हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट आम अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में अपनी मातृशक्ति का प्रेसिडेंट करता हूँ। लेकिन जो कुछ दिन पहले जो निंदनीय कार्य किया गया, हमने एक इंसान को दिल से मोहब्बत करके उनको एक सम्मान दिया था, मैं ऑल पार्टी से माफी मांगता हूँ कि मैंने ही उनको बोला था आप सबको कि उन्हें भी लाया जाए, लेकिन उन्होंने देखिए किस तरह से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी नहीं सोचा कि जिन्होंने इस आंदोलन को रूपरेखा दी थी वो कहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ उनको, आपने किस तर्ज पे ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? लड़ने वाले कोई, ये कहावत है कमाए बैल और खाएं घोड़े, ऐसा होने नहीं देंगे, बैल कमाएंगे खाएंगे भी बैल। तो मैं ज्यादा शब्दों में नहीं करता, मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ। जो कृतज्ञ आपने रियासी में किया वो निंदनीय है और इसकी मैं शेम करता हूँ। जो हमारे असली वारियर हैं ये है, मैं सभी अपने वासियों को दिखाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आपकी कुर्बानी दी है ये आपके भाई हैं। वो जो वो बैठे हुए थे वो मौका प्रस्त लोग हैं जो हर बार कहते थे हम आपको पार्टी से निकाल देंगे, हम आपके खिलाफ ये कर देंगे। मैंने आपसे एक बात बिल्कुल क्लियर कही है, यहाँ राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। यहाँ जब कोई यूथ की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, आप लोगों की बात करेगा, वो हमारा लीडर है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे इलाके की बात करेगा, हमारे लोगों के लिए बात करेगा, हम उसके साथ हैं। ये मैं ज्यादा नहीं कहता, यही कहता हूं कि ये आने वाले और बरस और भी सुनहरे होंगे, एक से दो, दो से तीन इसी तरह जाएंगे। जीत इंसाफ की होगी, आम आवाम की होगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया रमेश सिंह जी। आप सबको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, मैं नाम लेना भूल गया था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कलवंत राज यूथ के हमारे साथी हैं और आप सबको इनके लिए जोरदार ताड़ियां। इन्होंने अपनी पंचायत के लिए रेत और बजरी बीपीएल एवाई कैटेगरी और जो भी इसमें फॉलो करता है उसको फ्री दिलवाइए, इसके लिए तहे दिल से जोरदार ताड़ियों के बीच इनका स्वागत कीजिएगा और मैं इनको प्लीज वेलकम करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी दिली ख्यालात का जाहिर करें।
सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जितने भी जहां मंच पे आए हुए हमारे ऑल पार्टी एसोसिएशन के सरपंच पंच, बाकी जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, अपने दिल से उनको धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने एक मुहिम चलाई और आज उस मुहिम की जो जीत की घड़ी है आज सबके सामने है। लेकिन इसको हम जीत की घड़ी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो रेट जो गुंडागर्दी पहले जहाँ थी, आज भी कुछ लोग वही गुंडागर्दी जहाँ चला रहे हैं। आपके सामने कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बहुत वहाँ पे बोला गया हमने रेत कम कर दिए, हमने लोगों को फ्री ऑफ कास्ट रेत देने की बात की। मुझे इस चीज का दुख है कि वो लोग उस टाइम कहाँ थे जिस दिन हमने कंठान में बैठ के आवाज उठाई थी, हमारे ऊपर एफआईआर तक लग गई थी। आज भी हमने उन एफआईआर की परवाह नहीं की, लेकिन लड़ाई हमने जारी रखी। आज भी जो रेत के रेड हैं वो आज भी ज्यादा है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें और भी लड़ाई लड़नी है। सबसे पहले जैसा कि हमने जो पहले के ठेकेदार थे उन्होंने कितना गुंडागर्दी खासकर हमारे सलाल कंठान में मचाई थी, आज वो ही ठेकेदार हमारे कहने से दो पंचायतें उन्होंने अडॉप्ट की हैं। चाहे वहां कोई बीपीएल हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, जो गरीब होगा उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रेत दिया जाएगा, और जो लोग थोड़े ऊंची पोस्ट में हैं, जो रोजगार चला सकते हैं, जिनका कोई सिस्टम है, उनको फ्री, उनको जो है 50% जो रेत है वहां दिया जा रहा है। बाकी की जो पंचायतें हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बाकी में जो पंचायतें हैं, बाकी के जो सरपंच हैं वो क्या कर रहे हैं? आज कहाँ है वो लोग? कल भी वो नारे लगाएंगे कि हमने गरीब लोगों को हक दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि रास में जितने भी ब्लॉक हैं, वहां के सराउंडिंग एरिया में जितनी भी पंचायतें हैं, उनको भी फ्री अवकाश रेत हम दिलाएंगे। सबसे पहले उन सरपंचों को मैं दे देना चाहता हूँ कि आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं एक आपको एक लेटर लिख के दूंगा, उनके ऊपर स्टैंप लगा दीजिए। बाकी हमारा काम रहा कि हम वहां की जितनी भी आवाम है, गरीब है, अंत्योदय है, बाकी ये जो लोग जैसे पीएमजी भाई के किसी के मकान के काम आ रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट जो रेत हम इन ब्लॉकों से दिलाएंगे, ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। आज वो लोग जो बाइटें देते हैं उनके सामने इतने इतने बड़े क्रेशर लग गए, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि जहाँ पे किस किस्म का ये क्रेशर है? बोलते हैं हम छानना लगा रहे हैं, क्या बेवकूफ है? आज कोई बेवकूफ नहीं मेरे भैया, सब लोग जानते हैं। और इसकी लड़ाई हम जहां नहीं छोड़ेंगे, इसकी लड़ाई आगे तक ले जाएंगे। जरूर जो जहां गुंडागर्दी चल रही है, जितना जहां गुंडागर्दी चल रही है इसको नहीं चलने देंगे। मैं इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया कलगन जी। अब मैं बुरी सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो पगड़ी उन्होंने श्री काबला सिंह जी को पहनानी है, और आप लोगों को स्वागत ताड़ियों के साथ स्वागत करें इनका। जनाबे कावला सिंह जी जिंदाबाद, जनाबे कावला सिंह जी जिंदाबाद, आल पंच सरपंच जूनियर जिंदाबाद। इसके बाद मैं अपने भाई नौजवान साथी अरनास की पहचान और अरनास के बब्बर शेर आशीष जी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और जिस तरह से वो अपने से बात करते हैं उसी अंदाज में ये चीज दिखाएं अपने साथी नौजवानों को, जो कि इस हमारी लड़ाई के बाहर भी है, ताकि उनके दिल में भी ये धड़कन पैदा हो जाए कि हम लोग पैदा ही इसीलिए हुए हैं। चाहे वो कुरान में देखिएगा, चाहे गीता में देखिएगा, हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि हम दूसरे की हेल्प करें, किसी बेसहारा का सहारा बने। प्लीज मेरे साथी आशीष जी।
मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता श्री कावला सिंह जी, उनके साथ बैठे हुए दरान पंचायत के एक्स सरपंच श्री जोगिंदर सिंह जी, उसके साथ बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट रियासी से कांग्रेस के सीनियर नेता मुंशी राम सलालिया जी, उनके साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी मैडम कुशल्या जी, उनके साथ अपने शिवसेना की महिला की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैडम संतोष जी, उसके साथ बीजेपी के हमारे पंच थरपाल से बलवान सिंह जी मैडम, अपने दनोड़ की सरपंच दुग्गा की जुड्डा की शमीम अख्तर जी, उसके साथ हमारे इलाके के बहुत ही सीनियर नेता श्री नूर मोहम्मद जी, और जितने भी जहां के बड़े बड़े लीडर हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के, सबको मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे इस माइनी के रेड के संघर्ष को लेकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं उन युवा भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने कड़कती धूप में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में अरनास की धरती पर बैठ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में चले। आज माइनी के रेट जो 11 रुपए 25 पैसे के हिसाब से हमारी पहाड़ों में रहने वाली गरीब जनता से वसूले जा रहे थे, आज मैं वो गवर्नमेंट के रेट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 4 रुपए कम हुए हैं, जो 7 रुपए 25 पैसे के हिसाब से आज हम गरीब और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से लिए जा रहे हैं। हम इस रेट से अभी भी संतुष्ट नहीं है। ऑल पार्टी एसोसिएशन का धरना आगे भी जारी रहेगा। जे रेट अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में मैं क्या देना चाहता हूँ, जम्मू के कंपैरिजन में सांबा हो गया, कठुआ हो गया, उधमपुर के कंपैरिजन में 3 या 4 रुपए नहीं जब तक किए जाते, हमारे पार्टी ऑल पार्टी सरपंच एसोसिएशन का ये धरना जारी रहेगा। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा उन युवा भाइयों का जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर निडरता के साथ हमारा आर पार्टी के जितने भी नेता उन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत धमकियां मिली हमें, बहुत धमकियां मिली, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, बहुत धमकियां मिली, मगर हमारे युवा भाई पीछे नहीं हटे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सीनियर नेताओं के साथ चले। आज आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। कोई भी हमारा यहाँ पे मसला हो, अगर हम उसे एकजुट होकर लड़ेंगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं हो सकती। ये हमने हमारी आर पार्टी की टीम ने दर्शा दिया है। और मैं जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रियासी से बैठ बैठ के, मैं उनको बता देना चाहता हूँ जनाब, माइनी के प्रोटेस्ट में आप किसी फ्रेम में नहीं थे, चाहे वो कोई भी बीजेपी का उद्देदार। मैं दाद देना चाहूंगा श्री कावला सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जो इस संघर्ष में शामिल थे, उनका नाम नहीं लिया जाता है, और चंद जो अपना नाम अपना लोगों को गरीबों को बुखलाया जा रहा है, उनको उनके सामने अपनी बाप भाई कराने के लिए कहते हैं कि ये रेट हमने कम किए। जनाब आप लोग सब जानते हैं, जनता सब जानती है, आप किसी फ्रेम में नहीं थे, आप उन ठेकेदारों के साथ करोड़पतियों के साथ मिले हुए हैं। आज आप भी कुछ बीजेपी के लीडरों के माइनी के टेंडर खुले तब आप नहीं बोले, जब 10 से 15 ब्लॉक और खुले आज माइनी के रेट लेके आप उधर बैठ के माइनिंग में कि हमने कम करवाए। अल्लाह आज जनता सब जानती है आप क्या षड्यंत्र यहाँ पे कर रहे हैं। मैं फिर से दिल की गहराइयों से सभी अपने रियासी डिस्ट्रिक्ट के नौजवान भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा। और आने वाले समय में मैंने फिर एक दिन पहले बोला था, जहां भी हमें करप्शन दिखेगी, जहां भी गरीब आदमी की आवाज दबती हुई दिखेगी, जहां भी हमें अपने करप्शन दिखेगी या गरीब की आवाज दबती दिखी हुई, अनास का युवा वहां खड़ा होगा, अनास का आशीष देव सिंह वहां खड़ा होगा, अनास के वहां युवा टीम खड़ी होगी। मैं दिल की गहराइयों से सभी का अनास की धरती पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं महोर सिंह जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी से, उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी बात रखें। मंच पे उपस्थित हमारे सीनियर नेता कावला सिंह जी, मुंशी राम सलालिया जी, सरपंच संसार सिंह जी, एक्स सरपंच जोगिंदर सिंह जी, अश्विनी शर्मा जी पारमो साहेब, नौजवान लीडर हमारी मैडम कुशल्या जी और मैडम
शमीम अख्तर जी, हमारे बलवान सिंह जी, हमारे बहादुर सिंह जी हैं, सभी का नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कहते हैं मेहनत तो रंग ला ही देती है, जितनी मेहनत करेगा इंसान उतना तो फल मिल ही जाता है। सबसे पहले मैं जिन्होंने यहाँ ये माइनिंग के बारे में रेट कम करने के लिए नींव पत्थर रखा है, वो हमारे सरपंच कंथान पंचायत अरनास के श्री संसार सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने के सभी पार्टियों को जोड़ा, साथ में चलाया। रेट कम तो हुए ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन अभी तो नागे बराबरी हैं, तो जब तक ये रेट कम नहीं हो जाते तब तक हम लड़ाई अभी भी लड़ेंगे। वो ठेकेदार जो हैं, चाहे वो हमारे मोहल्ले के ठेकेदार हों, चाहे बाहर के हों, या कहीं के भी हों, वो हमारे भाई ही हैं। लेकिन वो भाई को क्या करना कि जो गरीब का खून खाने लगे। मेरा एक ही मुद्दा है, गरीब के हक में हम लड़ेंगे, चाहे हमारी जान तक भी चली जाएगी। आप खुद जानते हैं कि यहाँ जब हमने ये स्ट्राइक पहले दिन मुहिम रखी थी, यहाँ दूसरे दिन सबको पता है कि यहाँ पुलिस को बुलाया गया, सबको डराया गया ये यहाँ से पुलिस उठा लेगी आपको, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपना हक मांगने के लिए किसी को डर की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी ठेकेदार हो, ये मैं उसको कह देना चाहता हूं कि कोई भी महिला, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो बीपीएल, कोई भी कुंभा हो, ठेकेदारों को फ्री ऑफ कास्ट ये रेत और बजरी देना पड़ेगा। कुछ मैंने दिलवाए भी हैं सरपंच साहब के साइन करवा के, मैंने एक बिल बनाया था उस पर साइन करवा के कुछ आदमियों को दिलाए भी हैं। तो अभी मैं बाकी ये कहना चाहता हूं कि जो लोग बाकी गरीब हैं, मैं सिर्फ कंथान की बात नहीं कर रहा, मैं अरनास की बात नहीं करता, मैं सलाल की बात नहीं करता, मैं धनोर जुड्डा की बात करता हूं, मैं गाड़ी गब्बर की बात करता हूं, मैं काकड़ा यहां अपने बनासा वगैरह की बात करता हूं, उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, यहां तक के हमारा विचार है। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। इसके बाद मैं अरनास के लोकप्रिय और बहुत खूबसूरत पहचान अरनास की बहादुर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा। छोटा दिल और बड़ा दिल, बड़ा ही दिमाग है इनमें और बड़े जज्बाती हो जाते हैं ये मेरे साथी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने उसी जोश के अंदाज में ये बताएं कि माइनिंग के रेट कम करने में किन के हाथ है। शुक्रिया अल्ताफ जी, जहाँ पे हमें गरीब अमाम को भी बोलने का मौका मिला। मेरे दोस्तों, हमारे सीनियर नेता कावड़ा सिंह जी, हमारे संसार सरपंच जी, हमारे जोगिंदर जी, हमारे पोलिशा जी, हमारे जे बुजुर्ग, हमारे जे नौजवान साथी साइलान जी से मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज जनता जानती है, वोट देकर उन लोगों को जिताया है। मैं उन लोगों की शेम करना चाहता हूँ, चाहे कोई किसी पार्टी से भी होंगे, चाहे कोई मेरी बीजेपी से होंगे, चाहे कोई कांग्रेस के होंगे, चाहे कोई एनसीसी से होंगे, मैं सभी की शेम करता हूँ। मेरे दोस्तों, आपको लोगों ने किस लिए बुलाया है? गरीब अमाम का काम करने के लिए बुलाया है मेरे दोस्तों, गरीब का खून पीने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे भाई, कुछ जीत कर घर में बैठे हैं, उनको ठेकेदार, उनका मसला चल रहा है, जो गरीब का मसला कहां जाएगा? मेरे दोस्तों, इन सब साथियों ने हमारा साथ दिया, और कावड़ा सिंह जी और जितनी भी पार्टी है सब इनके मिलकर इन्होंने साथ दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इनका। शुक्रिया, जय हिंद। शुक्रिया, थोड़े कम बोले। इसके बाद मैं सुनील सिंह जी, जो मेरे भाई है, काफी दलेर और जुशीले हैं, और इनको
मुझे लगता है दो ब्लॉक मिले हैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी मसले में ईमानदार आदमी चला जाएगा वो अपना सबूत जरूर देता है। अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा भैया हमें भी अगर किसी बीपीएल जो गरीब है उस फैमिली को हमने बजरी और रेत दलवानी हो, उसने कहा मेरे भाई आप बेखौफ होके भेज दीजिएगा, हम दलवा देंगे, चाहे हमें कितना भी घाटा हो जाए। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, बहुत बड़े पैसे वाले लोग कभी ये चीज बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मेरे भाई ने ये की, इनके अंदर ईमानदारी और ईमानदारी की ये सबूत है। मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आओ और अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं जोरदार तरीके से नारा लगाऊंगा और आप सबने लगाना है, आवाज आनी चाहिए जोश के साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जनाब कमला सिंह साहब, जनाब कमला सिंह साहब, बोली शाह जी, अनाज के सरपंच सिंह साहब जी, महिला शक्ति, ऑल पार्टी सरपंच एसोसिएशन और सभी जितने भी आए हो हमारे ट्रांसपोर्टर मजदूर भाई किसान भाई, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जहाँ किस लिए इकट्ठे हुए आज, सबसे पहले कि हमें खुशी भी है, नहीं भी है कि आज जो हम जहाँ 18 रुपए 20 रुपए रेट माइनिंग के लिए जाते थे, आज वो 7 रुपए 25 पैसे रेत का रेट हो गया है। ये आप सब जानते हो, ये किसकी वजह से हुआ है? हम सब लोगों की वजह से हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम खुश हैं 7 रुपए 25 पैसे के रेट के ऊपर, हम चाहते हैं कि जैसे सांबा में, जम्मू में, कश्मीर में 2 रुपए 2.5 रुपए 4 रुपए रेट है, हम पैसा करवाएंगे, हम खुश तभी होंगे। हम ये नहीं है कि हम आज डोल भांगड़ों के नजारों के साथ नाचते हुए चले जाएंगे, रेट कम होगा, नहीं, हम आज ये तय करके भी जाएंगे कि हमारा अगला प्रदर्शन कब होगा, ये 7 रुपए 25 पैसे रेट नहीं 4 रुपए करने के लिए अगला प्रदर्शन कब होगा, हम ये तय करके जाएंगे जहां पे। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि कमला सिंह जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतनी कड़कती धूम में, मैं बताना चाहता हूं कि जब कमला सिंह साहब जो पहली बार इधर नास में आए थे, कमला सिंह एकदम गोरे थे जैसे श्रीनगर के कश्मीरी होते हैं, तो जब कमला सिंह जी जहां आए, कमला सिंह ने 4 धूपों में कमला सिंह जी एकदम काले हो गए, ब्लैक कमांडो बन गए कमला सिंह। लोग कहने लगे यार कमला सिंह जी को क्या चाहिए, कमला सिंह धूप में मर रहे हैं जहां। मैंने बोला ये कमला सिंह जी की ईमानदारी की मिसाल है, ये कमला सिंह गरीब लोगों का खून नहीं चूसते, ये कमला सिंह गरीब लोगों के साथ खड़े होते तभी इतने लोग जहां इनके साथ खड़े। और रही पोली शाह जी की बात, लोगों ने कहा पोली शाह को क्या जरूरत है नास में रोड में बैठने की, पोली शाह के पास कितने कितने बड़े होटल है, पोली शाह कितना बड़ा मालिक है। मगर मैंने बोला पोली शाह के पास अगर होटल है तो ये गरीबों की आवाज बचपन से उठाते आए हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, एनसी में हो, ले लोगों का काम करवाते हैं। हमारे सलाल में मेरे चाचा जी, मेरे कुछ नहीं लगते हैं, उनकी नौकरी इन्होंने लगाई है पीडब्ल्यूडी में, उनकी नहीं लगाई, काफी लोगों की लगाई है सलाल में, अब नाम लेता रहूंगा देर हो जाएगी, लंबा मैं भाषण नहीं दूंगा। और मैं बताना चाहता हूं ये वो पोली शाह है जो अनास में कड़कती धूम में 12-1 बजे शाम को कई बार खाना भी कटरा में जाके खाते थे, और खाना एक बार इधर खत्म हो गया, इधर सभी लोगों के लिए बनाया था, पुलिस ने बोला पहले गरीब लोगों को आवाम को खिलाओ, हम खाना खाने नहीं आए, हम जहां प्रदर्शन करने आए। इन्होंने एक भूख हड़ताल की है, और संसार सरपंच जी को देखो आप, ये इतने बुजुर्ग, इनको क्या जरूरत है, ये रिटायरमेंट होके आए हैं, क्या जरूरत है इनको प्रदर्शन करने की, ये बोले अरे पेंशनर आदमी है, ये होटल चल रहे हैं इनके, ये भी गरीब लोगों की आवाज बने हैं तभी ये अनासे सरपंच बने, नहीं तो कोई सरपंच नहीं बनाता है। और रही बात हमारे अल्ताफ सरपंच जी, इनको हार्ट अटैक तक आ गया था इतनी कड़कती धूप में, मगर रब अल्लाह का शुक्र रहा, भगवान का शुक्र रहा, ये बच गए, हमारे बीच रहे, और जोरदार ताड़ियां हमारे अल्ताफ सरपंच जी के, ये जिन्होंने इतने संघर्ष। हमारे रमेश सिंह भाई जी, ये भी कंधे से कंधा मिला के जुबाओं और सभी के साथ खड़े रहे, और इनका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो आए हैं बुजुर्ग जी, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, माफी चाहता हूं, पार्लू जी, इनका भी बहुत योगदान है, इनका हमें फोन पे योगदान मिलता था, बताइए मेरे को केस लड़ना है क्या करना है, मैं सच बोल रहा हूँ, पार्मू बोला उन्होंने, कोई पार्मू नाम करके फोन करता था, करते थे। और जुगिंदर सरपंच है, ये एक्स सरपंच है, ये एक्स सरपंच, इन्होंने भी बहुत कठिन कार्य किया, हर इलाके में आवाज बनी रही इनकी, इन्होंने बोला रेट कम होने चाहिए। मुंशीराम सलाड़िया जी, ये भी एक एनएचपीसी की पेंशनर है, करोड़ों रुपया है इनके पास, इनको क्या चाहिए, ये भी गरीब लोगों की आवाज उठाते, ये इतनी बात है दिल्ली तक उठाते हैं, दिल्ली
अपने एनएचपीसी का मसला लेके वहां जाते। हमारी कौशल्या मैडम जी ये अगर वो आवाज उठाती है तो आज जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, जनरल सेक्रेटरी बनाया इनको, इनको बहुत बड़ी मुबारक देता हूँ। और हमारी साथ में वो भी हमारे साथ, मैं नाम नहीं जानता, वो भी हर कदम हमारे साथ चले हैं वो, और साथ में वो हमारी जुड्डा की वो सरपंच, उनका भी उनके घर वाले भी आते हैं, वो स्कूटी लेके हंडी कैब है, वो भी हर समय आते थे। और हमारे बलवान जी और बहादुर जी जे भी हो भाई, इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी जहां होटल पे बैठ के कि गरीबों को मत लूटो, ये वो बहादुर जी हैं। और साथ में हमारे शिवसेना के प्रेसिडेंट, इन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया, ये इनको किसी ने बुलाया नहीं, बिना बुलाया आए हैं जेवा। और माइकल जी जिनकी डिप काम जम्मू डॉक्टर तक गाड़ी इनकी हमारे स्कॉर्पियो लेके जाते थे, किसी ने इनको तेल दिया, सैकड़ों हजारों लाखों के हिसाब से इनका खर्चा आ गया। और हमारे जो अनास के हैं ये भी हर बार संसार सरपंच जी के साथ मुझे देखने को मिलते हैं। और कुलवंत राय जी अपनी पार्टी के जिला प्रधान है, और ये भी इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जहाँ कहीं भी हो अब सलाल में रेत कुला, बाकी में सब, यानी ये जो लेबर वाले लोग हैं बेलचे लेके जहाँ पे रोड पे आए थे, ड्राइवर सब लोगों का, आशीष देव सिंह जी मैं नाम भूल गया, इन्होंने तो नारे इन्होंने बनाया था, हमें तो नारा नहीं आता था, इन्होंने बोला खनन माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल, इन्होंने ये नारा बनाया था, बहुत जबरदस्त तरीके से ये नारा बोलते हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारे सलार सराउंडिंग के जितने भी लोग आए उनका सब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और रही बात, जैसे कल हमारे सरब सिंह नाग जी ने, कल परसों मैंने लाइव देख रहा था, कल ही देख रहा था, सरब सिंह नाग जी को मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ, नाग साहब आपने बहुत ही घटिया निंदनीय कार्य किया है गरीबों के लिए, आपने उधर जो लोग गरीब जहां पे बेलचे लेके ट्रांसपोर्टर गरीब आवाम जहां पे धूप में सड़ती रही, कंथान पंचायत के नाश काफी हर पंचायतों के लोग जहां पे सैकड़ों हजारों के हिसाब से लोग ये प्रोटेस्ट करते थे, आज आपने उनको बुला के खुद दो चार वाइट शर्टों वाले और काले कोट वालों के साथ में बैठ के कॉन्फ्रेंस कर दी, बोला कि हमने रेट कम हो गए, आपने रेट कम किए कि इन्होंने किए रेट कम किए तो कावड़ा सिंह और जो आज सरपंच साहब और सभी लोगों के टोली शाहजी कटरा से अपना बिजनेस छोड़ के आते, इन लोगों की वजह से रेट कम हुए, ना कि सरब सिंह नाग जी, आप उस दिन आए थे अपनी सिर्फ हम प्रदर्शन कर रहे थे, हम गेट के अंदर जा रहे थे, आपकी शक्ल हमें दिखी, सरब सिंह नाग जी कभी दूसरी बार ऐसा काम नहीं करना, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि आपके ये पुतले फूंक देंगे ये लोग आए कह भी रहे थे, हमने बोला ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, करने दो उनको, ये गरीब लोग सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि ये रेट किसने कम करवाए, सरब सिंह नाग जी आपने बहुत ही लीडरों के साथ नहीं बोल रहा, आपने गरीब लोगों को इनको नहीं बुलाना था, माना इनको आपने, आप बोलते कई लोग बोलते हैं हमने इनको निकाल दिया पार्टी से निकाला, लोगों के दिलों से नहीं निकाला, अगर आज भी ये सरब सिंह नाग जी अगर रोड पे चौक में खड़े हो जाए हजारों की तादाद में कावड़ा सिंह के साथ लोग खड़े होते, ये वो कावड़ा सिंह जी हैं, शेर कावड़ा सिंह जी हैं, ये हमारे गुरनास की आवाज को, आज तो आप आ जाए जब गुरनास की आवाज को दबाते थे लोग, ये तब गोलियां चलती थी, मिलिटेंसी का टाइम था, कोई झंडा नहीं लगाता था, कावड़ा सिंह उस टाइम में झंडा लगाते थे, आज हमें शुक्रिया हम भगवान का करते हैं कि कावड़ा सिंह आज जीवित है, नहीं तो जितनी कावड़ा सिंह के ऊपर गोलियों की बौछार हुई है ये वो कावड़ा सिंह के उन गोलियों के बीच में से निकले हैं। और सरब सिंह नाग जी आप क्या बोलते हो कि हमने रेट कम कराया, आप बोलते हैं संकट, हम जब हमने इनको बोला कि सरब सिंह नाग और सारे आल पार्टी जितने बैठे थे वो, हाँ उनमें एक महेंद्र सिंह सरपंच थे सलाल के, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, महेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ आए थे, दो तीन दिनों में बाहर डीसी दफ्तर के बाहर बैठे थे, जो सच है वो सच है, उसको छुपाऊंगा नहीं, महेंद्र सिंह जी बैठे थे हमारे साथ, महेंद्र सिंह जी का बड़ा योगदान है। और सरब सिंह नाग जी ने क्या बोला कि ये वो है, इन्विटेशन नहीं मिला मेरे को, यार ये इन्विटेशन देना, किसने इन्विटेशन देना, ये गरीब लोगों को शादी है मेरी, क्या इन्विटेशन दूंगा, ये गरीब लोगों का काम है, गरीब लोगों को लूट रहे, गरीब लोगों के कर्तन काट रहे, गले काट रहे, खून पी रहे, इसका इन्विटेशन नहीं होता। सरब सिंह जी नाग जी अगर गलत हो रहा है तो आप ग्राउंड पे आइए, और मैं सभी जो भी बीजेपी के लीडर का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैं उनको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, ऐसा गरीब लोगों के साथ मत कीजिए, अब ये आपको उनको साथ नहीं किया, आपने लेबर वाले ट्रांसपोर्टर बेलचे वालों के साथ अन्याय किया है, कि लेबर की इधर लगने नहीं देते, मशीनें लगी थी, तो ऐसा हम चलने नहीं देगा, सरब सिंह नाग जी को बताना चाहते हैं कि दूसरी बार ऐसी हरकत ना करें। तो रही बात, जैसे मेरे लिए बोल रहे थे भाई साहब, मैं बताई देता हूँ कि मैं दो ब्लॉक मैं सलाल में मेरे को जहाँ मिले तो मेरे को नहीं, वो मेरा ऊपर बंटी है, सलाल के ही लड़का है, वो इंचार्ज है, मगर उसको मैंने बोला बंटी को कि हम इलाके के लिए क्या करेंगे, हम हिमना में आए, हिमना में लोगों ने बोला
हमने बोला क्या चाहिए, लोगों ने बंद किया था, लोग काम नहीं चल रहे, लोगों ने बोला हमें पीएमएवाई फ्री रेट चाहिए, हमने बोला मिल जाएगा, उन्होंने बोला बिड्डो भी चाहिए, हमने बोला मिल जाएगा, उन्होंने बोला और बस चुप हो गए, हमने बोला और रेत के बारे में, उन्होंने बोला हमें, मैंने बोला अब बिड्डो पीएमएवाई नहीं, अगर कोई जेन्युइन बंदा होगा उसको भी देंगे, और उन्होंने बोला हमारे अगर किसी की शादी होगी, शादी होती है तो हमारे इधर टेंट लगाने के लिए जगह नहीं, हम इसी रेत पे टेंट लगाते थे, टेंट लगाने की छोटी 18x30 की जगह बना दो, मैंने बोला स्टेडियम, मैंने उनको ऐलान करके आया हूँ, और आप मैं जब बता रहा हूँ अब जब लास्ट में रेत खत्म होगा मैं आपको उधर लाइव आऊंगा, स्टेडियम दिखाऊंगा, मैंने बोला स्टेडियम बना के देंगे, स्टेडियम ग्राउंड भी नहीं और स्टेडियम बना के, और बहुत सारे हमने काम बोला, उन्होंने बोला गरीबों के लिए, हमने बोला गरीबों की लड़कियों की शादियों में कई काम करवाएंगे, गरीबों की दाल चावल जो बोलोगे वो करेंगे, हमने किसी चीज के लिए पीछे नहीं हटे, हम बताना चाहते हैं सरपंच साहब भाइयों, ये कोई अपने से नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो आप भी जहां ब्लॉक खुलेंगे, ये अनास में हमारे चौधरी साहब का ब्लॉक है, जहां तक ये होगा तो हम ही होंगे, जहां पे भी हम, जहां पे भी गरीबों को पीएमएवाई को जो होगा वो हमारे बंटी जी हैं उनसे बात करके, सलाल वाला बंटी है उससे बात करके हम इनको इधर भी दिलाएंगे, और आप लोग भी और भी जितने ब्लॉक खुलेंगे आप लोग इनको नकेल कस के रखना बाकी वालों को, ये अभी रेट के मसले हैं तो देखो ये 18x20 रुपए अभी भी रेट दे रहे हैं, और इसके बाद जाओ हिमना में रेट देखो, जो गवर्नमेंट रेट है जेन्युइन, और लेबर ले रही होगी 2-3 रुपए ऊपर, अगर लेबर ले रही है तो लेबर ने भी कुछ कमाना है, तो लेबर को लेने दीजिए, हम वो नहीं कह रहे कि बाकी रेट हमारे हिमना में जेन्युइन है, और हम चाहते हैं कि जहां नाश में ब्लॉक है इसके भी करवाओ, अगर सारे चलो इकट्ठे हो गए इसके बाद कि देखो क्या रेट है, पूछो उनको, अगर नहीं है तो जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेशन को लाके ठीक करवा के, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, अब एक बार फिर मैं लास्ट में जो नारा लगाऊंगा, भारत माता की, जनाब कर्ण सिंह साहब, पल्लू शाह जी, ऑल पंच सरपंच यूनियन, धन्यवाद सुनील जी। किस तरह देखिए कि यूथ होता है वो दिल से बात करता है, आम आवाम की बात करता है, तो मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ताड़ियों के साथ सुनील जी का हौसला हो जाए, धन्यवाद सुनील जी। अब मैं जो इस मिशन को जिसने रूपरेखा दी, कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, माँ मेरी बहन, कहते हैं कि नारी जब एक माता का रूप धारण करती है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि इससे पहले मैं नारी शक्ति को बुलाऊं, हमारे जो यहाँ के हमारे माननीय यशस्वी हमारे मुंशी राम सलालिया जी, जिन्होंने NHPC में रह के आम एम्प्लॉयज की एक रूपरेखा तैयार की, उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म में बुलाया, ये सिविल सोसाइटी में आज देखिए इन्हें कोई जरूरत नहीं थी प्रोटेस्ट में आने की, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग सोसाइटी में होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के सब निशावर करके देश हित और राष्ट्रहित में बात करते हैं। आप सब ताड़ियों के साथ श्री माननीय मुंशी लाल सराज जी का हार्दिक अभिनंदन कीजिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने विचार साझा करें, और जिस तरह से उन्होंने रूपरेखा दी इस मिशन को वो आप सबके साथ मुंशी राम। काफ़ी दिनों बाद आज गड्डी भी चलाई है, क्योंकि सेहत कुछ 10-12 दिन काफ़ी खराब रही, मैं आज भी आना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा प्यार और जिन्हें इतनी इन्नी मेहनत की थी उनका कहना नहीं मैं मोड़ी सकिया, इस वास्ते फिर मैं गड्डी ड्राइव कर ली, वरना मेरा अज भी मन नहीं था गड्डी चलाने का। आज दे इस प्रोग्राम दे स्टेज सदर काबला सिंह जी, बाकी साढ़े इतने सरपंच साहब संसार जी जिने इस प्रोग्राम की बेसिकली अगर स्टार्ट किया तो श्री संसार होने की जिंदा, क्योंकि इन्हें बड़ी मेहनत की थी और सारे की जोड़िया, ये बड़ी बड़ी गल है। साढ़े भोली जी अश्वनी कुमार राय है, पर मैं ज्यादा चूंकि भोली है जानना, साढ़े अजीज हैं जोगिंदर जी, मैडम कौशल्या जी, साढ़े शिवसेना दिया डिस्ट्रिक्ट दिया प्रेसिडेंट शमीम जी, सरपंच जुड़े दे बलवान जी, ते साढ़े कांग्रेस के सीनियर साथी, साढ़े भी इन्हें छोटे भरा मेरे क्लास फैलो उ मेरे भी सी बड़े भरा साढ़े नूर मोहम्मद जी, शिवसेना के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट पुरी जी,
इन्हें भी काफी मेहनत की। इधर मेरे सीनियर साथी काफी देर बाद मिले। ये गल बखरी है कि पोलिटिकली अस अलग अलग पार्टियों बच्चे प्यार साढ़ा बनया रहा। बारमूं जी थोड़े नौजवान और बड़े जज्बाती सरपंच अलताफ जी, इधर जड़े बच्चे अज छोटे छोटे जे जड़े बोले, मिगी खुशी इस गल दी हुंदी है कि जिस वेले बच्चे बोलते ना उस वेले मिगी खुशी इस गल दी हुंदी है कि एक जमाना था अस तुपदे हे कि कोई आदमी थोड़ा जिहा टाइम कढ़िया स्टेज संभाले। अज साढ़े कोल इन्नी अच्छी जनरेशन आई है जिहड़ी कि टाइम नहीं हुंदा बाकी लोकें गी बोलने दा। आने वाली जिहड़ी जनरेशन है ये बड़े अच्छे बोलदे, बड़े अच्छे विचार न, और परमात्मा इनेगी लंबियां उमरा दे है और परमात्मा इनेगी और ताकत दे है अगे बढ़ने की। साड़िया इे इंदे कन्ने दुआई। कुसै दा नां लैना भुलिया उते माफी चाहना। गल ये कि अज कोई जलसा नहीं, कोई जलूस नहीं, कोई एडी वड्डी गल नहीं। अज सिर्फ साड़ी इन्नी ही गल है कि तुसें लोकें कड़क दी धुप्पा विच और उस माहौल दे विच जिस वेले कि सरकार की जिहड़ी मशीनरी है वो काफ़ी प्रेशराइज करा कर दी थी इस गल वास्ते कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा जिहड़ा सरकारी अफसरें की या सरकार की चुभदा होवे। चूंकि जिन्हें की कई किस्म के प्रसाद ते अलबे मिला दे होण वह कदे नहीं चाहते कि साड़ी गल दे विच कोई रोड़ा बने, पर तुसें सारे मिली है रोड़ा नहीं बने। तुसें आम जनता की एक आवाज समझी, दुख तकलीफ समझी और लोकें सारे मिली है। ये जेड़े रेत बजरी दे रेट थे उन्हें घट करने की आवाज बुलंद की, और ये आवाज के खाली बुलंद नहीं की, तुसें उसी मंजर तक पहुंचाने की कोशिश भी की। बेशक साड़ी उम्मीदें के मुताबिक रेट घटते नहीं हुए, लेकिन अस फिर भी धन्यवाद करने एडमिनिस्ट्रेशन का कि कुछ रेट उन्हें घट किए। हो सकता उन्दिया भी कुछ मजबूरियां रही होन, क्योंकि पेटियां भारियां गेदियां होन ते उत्थे कटाणी दुख भी लगता, क्योंकि वह भी दसदे ना जेड़े लोकें पेटियां दित्ती दी होंदियां ते बूट खोलिए कश रखते आखते जे मता कटाया ते बूट असीं भी सेड़िए कश रखा था। इस वास्ते उन्दी भी बेचारे की मजबूरी है, असें उनकी मजबूरी समझना चाहिए, क्योंकि छित्तर जिगर और रखा होवे ना सेड़ी है ते अफसर भी डरते आखते असल सिरे ही पवे ते साला पानी भी मूंह पवे। इस वास्ते उन्हें जम्मू का बराबर रेट नहीं किते। पर एक गल मैं थोड़े माध्यम के थ्रू और अज मैं आखना चाहना कि जेडे थोड़े विचार ये नौजवानों के अस ते भाई थोड़े कन्ने छड़ा सहारा बनी सकने आ, रस्ता दसी सकने आ, पर जे असी आखो हुण तुसें अज कोला दा 30 साल 40 साल पहले जिन्हें अस नहरे लाचे दे ओह नहीं लगते हो, हुण गैं भी पुटनी असी कुसे दा गोडा पकड़ी उठना पौंदा ते अस ओह नहीं कर सकते, पर अस तुसी रस्ता दसी सकने आ। असे जानने आ कि इंदी केड़ी नाड़ कमजोर है, अस तुसी ओह नाड़ दसी सकने आ, तुसे ओह नाड़ नहीं लभदी। इस वास्ते तुस नाड़ दबाई सकते हो, असें नाड़ दबना नहीं होंदी, नाड़ दबनी तुसें दसनी। असें अस नाड़ दसने वाले हो सकने इस वेले, पर दबने वास्ते तुस नौजवान हो। तुसें यह नहीं समझना चाहिदा कि रेट घट हुई है, तुहाड़ी उम्मीद के मुताबिक रेट घट नहीं हुए। जदों तक रेट रियासत दे विच यूटी दे विच सारे दे एक जने नहीं हो जान ते तुसें अपनी जदोजहदगी जारी रखना चाहिदा, यह मेरा आखना है। और अगर तुस इस वास्ते जदोजहद कर गए हो ते अस हमेशा थोड़े कन्ने रहोगे, कदे पिछे नहीं होगे। यह मैं तुसें गी दिल कोला ही यह गल आखना चाहना और विश्वास देना चाहना। बाकी मैं कुसे दी कोई निंदा नहीं करता, मैं कदे कुसे गलत नहीं आखदा,
एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना करता हाँ, मिगी ना एक सौगने की गल चेता आई। जल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना दा हा दौ दरानियां जठानियां गई कुदै ब्याह गई, तो उत्थे जाइए तो सगन दिता। जल सगन देई है तो ब्याह शाह खाइए वापस आई उठी, तो सौरे ने पूछा है बच्चा है तुस सगन देई आई? एक बोली फटाफट बोली उन्हें आख्या पिता जी अस रली मिली है बरती आई हाँ। बिचे की गल के थी तुसी मैं गल मजेदार सुना लगे। वो जिसने 100 दिता था हा ना वो चुप रही, जिसने 1 रुपया दिता था झटपट बोली। उस आखिया गल मकानी है फटाफट, उस आखिया पिता जी अस रली मिली है बरती आए हैं। जेडे उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिच बैठे रहे ना, तो मी बड़ा सोहा ला हा कि इन्हें बेचारा कुसै ने बेचारे ने धुप अगली मुंडी भी नहीं कटी थी। नहीं नहीं असें शेम शेम कोई नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी गल नहीं। साढ़े गै अजीज न, साढ़े गै दोस्त न, साढ़े गै कोई बच्चे न, कोई छोटे भरा न। साढ़े चेयरमैन साहब उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस बिच बैठे रहे, मैं बड़ी कदर करना। साढ़ा छोटा भरा है, छोटा अजीज है साढ़ा, पढ़िया लिखा है। उन्हें वो भी साढ़ा जदों असें रियासी उत्थे प्रोटेस्ट किया, असें ओहदे विचों शामिल होए। उन्दी एक गल थोड़ी जी मिगी जरूर लगी कि उन्हें एज ए चेयरमैन जल्ले उत्थे शामिल होए, तो जिस वेला वो बोले और प्रोग्राम की इनकलूड किया, उन्दे अल्फाज बड़े अच्छे थे जिदी मैं तारीफ और तायद करना। उन्हें आख्या कि अगर 15 अगस्त तोड़ी रेट कट नहीं होए तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट दे पेंच सरपंच और अपने सारे DDC दे BDC दे लोकें की बुलाई है ते मैं सड़क उपर आई जांग। ओ जड़ी गल है जिस वेले कोई गल मुंहा आखनी ते मैं अपने अजीज की जिंदी बड़ी इज्जत करना, मैं एक गल आखना चाहूं कि तुहाड़ी लंबी उम्र है, ले बड़ा लंबा सफर है, जां मुंहे दा गल आखनी है नहीं, अगर आखनी ते उहदे उपर अमल करना चाहीदा है। अगर उन्हें 15 अगस्त की कट ऑफ डेट दित्ती दी थी ते 16 नहीं ते 17 अगस्त की सारे की बुलाना जरूर चाहिए था और सड़क उपर आना चाहिए था। मैं उस वेले मनदा पे वाकया गया दिली तौर उपर इन्हें आख्या। इसका मतलब उगे था कि भाई उगे रली मिलिए बरतने वाली गल थी, भाई रली मिलिए बरती आया। वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इस वास्ते मैं तुसी सारे की आखूं असें कुसे की कोई मुखालफत नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे अपने अपने बेचारे काम करते हैं, कोई अपने तरीके ने करता, कोई कुछ और तरीके ने करता। तुहाड़ा एक एम है, तुहाड़ा एक मकसद है, तुसे चाहते हो कि आम आवाम की फायदा होना चाहिए, आम आवाम की गल करने वास्ते अज के वक्त दे विच बड़े घट लोग न, बड़े थोड़े लोग न, मते लोग तो सौदेबाज। मैं एक गल आखूंगा कि भले लोगो मरने वास्ते एक ते कोई 4 कढ़ाइयां मिट्टी वाले होंदे जिन्हें मिट्टी लोड़दी, ते बाकी वाले की 4 लकड़ियां लोड़दियां, वो साढ़े आई हैं इस इलाके दे विच दोवे चीज़ां मुफ्त थोंदियां। जेडे कबरी जांदे ते उनेंगी भी मिट्टी मुफ्त दी थोंदी, ते लकड़ियां जिहड़ियां अंदर रखदे ने भी मुफ्त दियां थोंदियां, और जेडे जलाए जांदे ने उनेंगी भी हले मुफ्त दियां थोआ दियां ने, मुल नहीं साढ़े थोंदियां। ते भले मानसो मते रुपए किट्ठे करको ते ओ जागत तौले ने देनी जंदरा चुकी है ओहदे कड्डो साले ही ते अगला गिनचे किन्ने सारे अंदर रखे बुड्ढे ने रखे दे। इस वास्ते अपनी करतूतगी अपने असूले की कायम रखना चाहिदा, ये बिकना नहीं चाहिदा, ये मते नोटे आले की ज्यादा खतरा हुंदा जे ये मैं तुसी सुनाई। इस वास्ते अपनी जमीर की नहीं बेचना चाहिदा। मेरी दिल कोला तुसी प्रार्थना है कि अपने आप की बेचने का मत कोई मन बनाओ। अगर आम जनता की गल करनी है तो आम जनता की गल करनी चाहिए है। मैं मता बेला नहीं लैना, जो मेरा मूँह भी सुखा करता, मैं गल नहीं कर सकता ज्यादा। मैं तुसी की ये चीज़ आखूँ कि रली मिली है सारे लोगों आम जनता की आवाज़ बनना है और इन्हें रेटें की उस रेट कन्नै मिलाना है
जेडे सारे यूपी दे विच बाकी डिस्ट्रिक्ट्स दे अंदर न इत्थे गै तुस विराम नहीं दे रहे हो कि दौं चार रुपए घटिए न ते अस नड़े च गै खुश हाँ इहदे विच गै खुश नहीं होए हो कोशिश करियो कि अपनी मंजिल यह तय करिए रखो कि असने बाकी लोगों के बराबर अपने इन्हें रेटें की भी आना है ये मन च तय करिए चलो। खासकर नौजवानों की आखो कि तुसें पूरे नौजवानों की इस गल कन्ने जोड़ना है कि असें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स दे कन्ने अपने आप की लेवल चाहना है ताकि साड़ी डिस्ट्रिक्ट रियासी दे लोकें की भी सही राहत मिली सके। मैं इन्हें लफ्जे कन्ने गए जिन्हें नौजवान है जिन्हें बुजुर्ग है जिन्हें भी साथी हैं इस मुहिम दे विच अपना साथ दिता मैं उनका दिल की गहराइयों कन्ने धन्यवाद करना और उम्मीद करना कि इहदे कोला भी बधी चढ़ी है अगे चलगन और सारे एक दूजे का साथ देइए मंजिल की तय करगन। जय हिंद शुक्रिया। धन्यवाद सवाली साहब। जो आज आपने हमारे युवाओं का मार्गदर्शन किया वो डोगरी आखिर वाकई कि गुड़े दे गुड़े फर्क होंदा ते सर जेड़ा मार्गदर्शन अज यूथ तुसीं दिए जा रहे अस दिल की गहराई कन्नै तुंदा शुक्र अदा करने। अब मैं बात करता हूँ कि अपनी मातृशक्ति किसी भी लड़ाई किसी भी संघर्ष के लिए अगर पूर्ण विजय चाहिए तो वह मातृशक्ति का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कड़कड़ती धूप में हमारे युवा साथी आशीष सुनील और हमारे ये भाई बेहोश हो गए थे तब हमारी मातृशक्ति आगे आई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी माताएं आगे आई हैं आप डटकर आगे सामना करो हम आपके साथ हैं। और जब माँ कहते हैं ना जब माँ दुर्गा माँ का अवतार करती है ना तो प्रलय आ जाती है तो उसी प्रलय के परिणाम स्वरूप ये रेड माइनिंग के कम हुए हैं। आज मैं पूरा क्रेडिट अपनी मातृशक्ति को देता हूँ और मैं इस मंच में अब अपनी मातृशक्ति सरपंच शमीम मैम जुड्डा को आमंत्रित करता हूँ कि जिन्होंने सरपंच में रह के इतने अच्छे कार्य किए अपने जुड्डा में और जब हमारे राष्ट्रीय तो जनहित की बात आई कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इस मिशन में साथ दिया। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ताड़ियों की गड़गड़ा से उनका स्वागत कीजिए शमीम मैम जुड्डा बी पंचायत ए पंचायत सॉरी। शुक्रिया रुमेल जी मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। मैं यहाँ पे मंच पे जितने भी नेता हैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबसे दुखद बात ये है रेट तो हमारे कम हुए हम तो इस बात से खुश हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमारे बीच में के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए था क्योंकि ये लड़ाई जो है ना तो कावला सिंह जी ने अपने लिए लड़ी और ना ही सरपंचों ने अपने लिए लड़ी ये लड़ाई जो है आम पब्लिक के लिए और गरीबों के लिए है। इसमें दुखद बात यही है कि सब लोगों को यहाँ पे आना चाहिए था ये तो जलसा कोई पार्टी लेवल पर नहीं था ये तो ऑल पार्टी एसोसिएशन की तरफ से रखा गया था कि हमारे जो रेट हैं वो कम हुए हैं। आप लोगों को भी ये जानकर खुशी होगी कि हमारे जो सरपंच हैं या जो नेता लोग हैं इन्होंने हमारे हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी इसमें उनको खुश होना चाहिए था और हमारे साथ यहाँ पे तावन देना चाहिए था। मैं उन लोगों पे बहुत ही नाराज़ हूँ क्योंकि वो हमारे बीच में यहाँ नहीं आए इसलिए। तो बाकी रही बात जो माइनिंग की माइनिंग के रेट कुछ कम हुए हैं लेकिन इसमें हम अभी खुश नहीं हैं जब तक के इसमें चार रुपए फुट के हिसाब से नहीं हो और साथ में जो है पंचायतों को फ्री ये रेट नहीं दी जाए हम तब तक इसकी लड़ाई जो है लड़ती रहेंगे। इसके बाद मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने चलो थोड़ी बहुत ही जो है रेट थोड़ा बहुत कम किया मैं उनका शुक्रिया करती हूँ तहे दिल से। और बाकी रही बात अभी जो है हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये रेट और कम नहीं होंगे और पंचायतों को फ्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ में तमाम जो जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं इनका शुक्रिया करती हूँ कि अपना टाइम और अपना वक्त निकाल के यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। हम इसी तरह आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे लेकिन आप सबका साथ होना चाहिए। हम अगर आप हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलोगे और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। इसके साथ ही मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आइंदा जब भी हम कहीं भी किसी भी बात पे जो लड़ाई लड़ते हैं हमारे साथ तावन रहना चाहिए और हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाहिए क्योंकि हम जिस जिद पे आते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं।
जब इंसान सच्चे दिल से बाहर कदम निकाले इंशाल्लाह ऊपर वाला भी मदद करता है। इसीलिए क्योंकि हाँ हमें जो है उस कड़कती धूप में हमने इन सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन किए और हमारे साथ उस वक़्त भी जो बाकी लोग थे वो तो यही बात कह रहे थे देखो जी ये अब रेट कम करेंगे फिर देखेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है हमारे कावला सिंह जी हमारे आगे साथ साथ चले और पोली शाह जी जैसे ये बाकी नेता हैं हमारे साथ चले, हम इनके साथ साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चले, हम गरीबों की आवाज़ बन के चले और आज हमारा रेट माइनिंग का कुछ कदरे कम हुआ है। इसीलिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ ऐसा मत कहें, दिल को कभी मत तोड़ो, कोई भी काम नियत से करना है और दिल साफ रख के करना है कि हमारा ये काम जो है हम जब करने निकल रहे हैं हमने ये पूरा करके ही वापस आना है। इसीलिए मैं सभी से ये गुजारिश करती हूँ जो भी काम हो हमारे साथ एकता करके हम जिस जिद पे आते हैं वो जिद पूरी करके ही छोड़ते हैं। थैंक यू। धन्यवाद शबीर मैम जी। अब मैं आगे अपनी मातृशक्ति डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रेसिडेंट माननीय संतोष कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो मंच में आए और अपने जल्दी से वो विचार रखें। श्री संतोष ताड़ियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं संतोष कुमारी माइनिंग के इस रेट में खुश नहीं हूँ क्योंकि गरीब जनता है जो इस रेट जो है हमारे जम्मू के उधमपुर के सांबा के जैसे रेट होंगे तब हम खुश होंगे। इसलिए हम ये प्रदर्शन करते ही रहेंगे और करते रहेंगे जब तक चार पे रेट नहीं आएगा तब तक हम प्रदर्शन में खड़े रहेंगे, रोड़ों में बैठेंगे, गाड़ियां रोकेंगे। अब हमारा काम है, अब हमने धरने में ऐसे बैठना है, इनके जो ब्लॉक खुले हैं सब ब्लॉकों में बैठना है, सब दुनिया ने ब्लॉकों में बैठना है। जब तक हमारे रेड पूरे चार पे नहीं होते हैं तब तक हम उठेंगे नहीं, हम कोई भी गाड़ी किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने देंगे और बाहर नहीं निकलने देंगे। हमारे गरीबों की ये आवाज है, हम आवाज उठाते ही रहेंगे। ये हमारे गरीब हैं जो लोग जो हम, मैं तो कोई मकान नहीं बनाना है, मैं कोई कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ गरीबों की मदद करने आई हूँ और गरीबों की मदद करती रहूंगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद मातृशक्ति, एक बार फिर से ताड़ियों के साथ इनका भव्य स्वागत कीजिए। अब मैं अपनी मातृशक्ति जो इस मिशन की नींव थी, जिन्होंने बच्चों की तरह हमें प्यार किया, माँ की ममता से जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म तक बचाया, हमारा हौसला नहीं टूटने दिया, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ताड़ियों की गड़गड़ाहट से हमारी माननीय कौशल्या राजपूत मैडम जी का भव्य स्वागत कीजिए जो इस मिशन की नींव है और हमारी मातृशक्ति है। मैं फिर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ माननीय कौशल्या राजपूत मैम। ओम कुलदेवता नमस्कार, ओम कुलदेवी बुआ रानी नमस्कार, ओम कालका माता नमस्कार, ओम सर्व मंगल मांगल शिव स्वार साकेश नेत्री अम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम स्थान देवता नमो नमस्कार। मैं मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण मातृशक्ति हमारे यहाँ पे जो लेबर के लेबर जहाँ पे मजदूर किसान जो बैठे हैं मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ, बहारे फूल बहुत हैं लेकिन गुलाब जैसा कोई नहीं, अरनास में नेता बहुत हैं लेकिन हमारे कावला सिंह जैसा कोई नहीं। जम्मू से आए हुए हमारे जनाब पारमू जी, कटरा से आए हुए हमारे अश्विनी मेरे बड़े भाई, उनके साथ बैठे हुए हमारे संसार जी, हमारे जुगिंदर जी, हमारे भूरी सिंह जी, महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवसेना संतोष जी, हमारी सरपंच शमीम जी और हमारे जूथ के प्रेसिडेंट कलवंत सिंह जी, हमारे आशीष देव जी, कैप्टन साहब, माइकल जी, सभी यहाँ पे जो बैठे हुए सुशील जी,
हमारे सरपंच कैंठी बी पंचायत के अल्ताफ जी, अरमेल सिंह जी, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, हमारे बड़े भाई नूर मोहम्मद जी कांग्रेस के सीनियर लीडर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेट जो रेट के अभी कम हुए हैं, कौशल्या राजपूत इस रेट से सहमत नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ खुशी जश्न हम उस वक्त मनाएंगे जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्टों में, जम्मू में, कश्मीर में, सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में रेट कम हुए हैं, उसी तरह हमारे पहाड़ी खिता अरनास में रेट कम होंगे, तब हम एक खुशी का जश्न मनाएंगे। नहीं तो ये जद्दोजहद हमारी चलती रहेगी, हम रोड पे बैठेंगे, जोरदार प्रदर्शन करेंगे, हल्ला करेंगे, गुल्ला करेंगे। पुलिस हमें पहले भी हमें डरा रही थी कि मैडम हम आपको अरेस्ट करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। मैंने कहा जनाब अभी वो वक्त ही नहीं आया जब कौशल्या राजपूत को आप अरेस्ट करोगे, वो वक्त अभी नहीं आया। झांसी की रानी एक थी लेकिन कौशल्या राजपूत इन पहाड़ों में एक ही रानी है। आपकी हिम्मत नहीं पड़ती मुझे अरेस्ट करने की, मैंने कोई जेल नहीं काटी, मैंने कोई जमीन फॉरेस्ट की सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं किया, मैंने किसी बैंक को नहीं लूटा, ना ही मैंने किसी गरीब की जेब को लूटा, आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हो। तब मुझे कहा गया तो देखेंगे, वो वक्त आएगा मैडम हम आपसे बैठ के बात करेंगे। मुझे गरीब के लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है गरीब लोगों में आपके लिए 24 घंटे रेडी रहती हूँ। मेरे ऊपर गोलियां चलेंगी, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए दिन रात इस जंग में लड़ती रहूंगी और इस जंग को जीत के दिखाऊंगी। कहते हैं दरिया के किनारे दो हैं लेकिन दरिया एक है, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। कि आल पार्टी के लोगों को, आल पार्टी एसोसिएशन के लोगों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर एक आज एक मिसाल कायम हो गई है कि तमाम पार्टी के लोग कभी किसी प्रधानमंत्री के एजेंडे के नीचे कभी इकट्ठे नहीं हुए थे, हमारे कावड़ा सिंह के एजेंडे के नीचे आज ऑल पार्टी लोग इस मंच पे बैठे हुए। मैं शेरों के शेर बबर शेर कावड़ा सिंह जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आएंगी बहारें, खिलेंगे फूल मेरे भाइयों, अगर हम इस जंग में जीतेंगे जरूर और इस जगह पे फिर दूसरी बार हम बैठेंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद मातृशक्ति जो आपने अपने बयान यहाँ पे दिए और जो हमें संबोधित किया। मैं तो सोच रहा था कि साक्षात दुर्गा माँ आ गई हैं तो यहाँ कहीं यहाँ नहीं पलटे आ जाए, तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नेक्स्ट मैं कहते हैं कि कभी बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल में नहीं मिलती। हमारे इस इलाके की शान मैं भी छोटे होते सुनता आता था, नूर मोहम्मद साहब मैं भी उनसे इतना मिला नहीं, लेकिन एक इलाके में नाम था कि अगर सियासत में कोई हमारे यहाँ पे सबसे सीनियर है तो नूर मोहम्मद जी हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरह से आपने इस गूगल अनास को चलाया, हम यूथ को भी लेके चले और माइनिंग के इशू में आप कड़कड़ाती धूप में आए, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ताड़ियों की कड़कड़ा से नूर मोहम्मद जी का स्वागत करें, तो वो अपने विचार प्रकट करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बैठ के अपने विचार करें। मैं कोई बात तो इसके बारे में करना नहीं चाहता था, तो आप बिरादरी से मजबूर हूँ, ये हुक्म दिया क्या तो आते चंद बातें आपके सामने, खासकर ये फैसला जो लिया हुआ था सरकार ने हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए, तो दो बातें कह के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो हमारे
आज के स्टेज के सदर कमला सिंह जी हैं, मुंशी राम सलालिया जी हमारे बड़े सीनियर थे, बड़ी माकूल बातें करते हैं, वो अब पुराने भी हैं सियासत के अंदर, वो चले गए, तो इस वक्त वो ये ना कहें कि मेरा नाम किसी ने नहीं लिया, क्योंकि वो हमारे साथ इस संघर्ष में साथी थे, यहाँ आए, अपने सुझाव उन्होंने दिए, जैसे आज बातें की ऐसे वो पहले भी कर चुके, आए हमारे नए पुराने बुजुर्ग, पुरानी याद, पुराने मजाहिया चुटकले के एक बहुत बड़े वो श्री भूजनलाल फार्मू जी हैं, जो बड़ी देर के बाद वो आखते ना मंदा हा लगे था, मंदा चिकाने गया, मंदा पता नहीं इन्हें ही लगा था, ऐसे ही लगे था एक, तो फार्मू जी हैं, ये हमारे अश्विनी कुमार जी हैं, हमारे सरपंच साहब हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत यहाँ की थी, तो बहन कुशल्या जी है, दूसरी वो छोटी बहन जी है, सरपंच जी हैं, बाकी सारे साथी, सबका नाम तो मैं ले नहीं पाया इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं मुख्तर से दो बातें करूँगा, मेरी जो बुखार भी है, मेरी सेहत भी है, और दूसरी बड़ी बात ये है कि वो आप इस वक्त में ये 72 ईयर ओल्ड यंग मैन हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, टांगों भी जवाब दे गई हैं, जबान भी जवाब दे गई है, कान भी जवाब दे गए हैं, आंखों भी जवाब दिए जा रहे हैं, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, आर पार्टी का जो फैसला लिया था, मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी जागृति है हम लोगों के अंदर, और जिसकी शुरुआत करके हमने दिखाई, हम भले ही थोड़े नज़र आते हैं लेकिन हम थोड़े नहीं, हम बड़े हक की बात करने के लिए, हमें बड़ा अफसोस होता है जहाँ कहते हैं हम इंसाफ कर रहे हैं, आप मेरी बात को बुरा नहीं मनाना, सरकार कहती है हम हर एक के साथ इंसाफ कर रहे हैं, क्या इसी जगह में आके एक फैसला ले लीजिए कि माइनिंग के मसले में जिला रियासी के साथ इंसाफ हुआ है, कठुआ का रेट, जम्मू का रेट, सांबे का रेट, रामबन का रेट, बाकी ज़िला जो हैं रियासत के उनका रेट देखिए और यहाँ का देखिए कि रियासी एक पहाड़ी ज़िला है और गरीब लोग हैं, यहाँ गुर्बत है, हम बेरोज़गारी बहुत बड़ी है और मज़दूर तबका लोग ज़्यादा हैं जो मजदूरी के लिए तड़पते हैं, तो क्या ये एक इंसाफ नहीं था, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी जिसके लिए एक आवाज़ उठाई, और ख़ासकर अंसार अरनाज से हमारे सरपंच अंसार जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो एक आवाज़ चलने लगी, तो चलते चलते आज वो वक्त आया, अभी हम मुतमईन नहीं हैं जो गवर्नमेंट ने रेट दिया, अभी ये रियासी जब तक के पूरी स्टेट के अंदर एक बराबर रेट नहीं हूँ, एक जैसे रेट नहीं हूँ, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं इस बात, अभी भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, अभी भी ज़्यादती है, क्या किया, वही रेट दे दो हमें भी जो जम्मू का है, कठुआ का है, बाकी जगहों का है, रियासी में अगर कहते हैं हम सब ये कह रहे हैं कि कुछ रेट कम हुए, क्या कम हुए, क्या इंसाफ हुआ, इंसाफ इंसाफ की बात अगर देखा जाए तो क्या ये इंसाफ है, अगर माइनिंग का रेट गवर्नमेंट ने ये माइनिंग लोगों को देनी होती तो 29 रुपये किलोमीटर थी, आज भी अगर ये 7 रुपये कुछ पैसे किलोमीटर होगी तो ज़रा हिसाब कीजिए कितने रुपए में किलोमीटर बन जाती है, ये तो 3-4 गुना रेट इसका ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये गाड़ी यहाँ से माइनिंग जानी चाहिए थी, लेकिन बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख था कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों ही, हम कमज़ोर, हमको कमज़ोर समझा और गरीब समझा, और गरीब को समझ के आज के ज़माने में इंसाफ का दावा करने वाले सबसे ज़्यादा दबा सबसे ज्यादा नाइंसाफी करते, तो ये आवाज एक इंतजामिया ने ये ऐसा किया था, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी में, ये शायद तोहफा के तौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी को पहाड़ी जिला था ये हमारा, ये समझ के ये दिया, लेकिन आज हम कहते हैं रेट कम नहीं हुए, लेकिन सिर्फ रियासी जिला के लोगों की आवाज सुनी गई और थोड़ी सी रियायत दी, और फिर हमें यही समझा कि ये लोग कम जबान हैं, इनके मुंह में जबान नहीं है,
इनके अंदर एकता नहीं है, ये इकट्ठे नहीं है, जब जुट नहीं है, तो जरा इनकी आवाज को बंद करने के लिए ये थोड़े से रेट कम। अभी इसमें हमें जबरदस्त जदोजहद करने की जरूरत है, और उस वक्त तक ये जदोजहद हमें करनी पड़ेगी जब तक पूरे बाकी स्टेट की तरह यहाँ के रेट भी बराबर ना हो जाए, खासकर इस मसले के। बाकी रहा जहाँ तक इस दौर के अंदर ज्यादतियों की बात करें हम, कि हो क्या रहा है उस चीज को देखें, तो यहाँ एक बात बड़ी सादक आती है कि ऊंट को किसी ने पूछा, अरे ऊंट तेरी गर्दन क्यों टेढ़ी है, तो ऊंट ने जवाब दिया, जरा गौर से देखो मेरी कौन सी जगह और सीधी है, मैं तो सारे का सारा टेढ़ा ही टेढ़ा हूं, कोई अंग मेरा सीधा नहीं है, सारे अंग ही अंग टेढ़े। तो सवाल पूछने की जरूरत क्या है, गर्दन का नाम क्यों लिया, पूरे जिस्म का नाम ले लो। तो मेरे साथियों, कोई बात सीधी नहीं है। अभी हम एक तो ये गृह वालों के थोड़े से हैं, हाँ जदोजहद की दो था, तीन चार दफा रास्ता रोका था हमने, चलो ये गर्दे से, जो गर्दे से हमारा अरनास का बाजार जो है यहाँ मिट्टी भर जाती थी, हमारे स्कूल के बच्चों की बुरियाद, सुबह स्कूल से निकलते थे कपड़े और वर्दी धो के देते थे, शाम को फिर दोबारा उनको नहलाना, उनकी मिट्टी साफ करनी और फिर उनकी वर्दी को साफ करना, रास्ते चलते चलते मिट्टी में लथपथ हो जाते थे। लेकिन आज ये वहाँ तक थोड़ा बहुत इसमें एक इसकी बीटी हो गई है, ब्लैक टॉप हो गया है। तो इसके साथ ही आइंदा हम सुनेंगे जो भी फैसला हमारे कावला सिंह जी करेंगे आने वाले वक्त के लिए, हम उनके साथ। लेकिन एक बात है, हमसे गिला नहीं करें, हम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही पहले मैंने एक बात की कि मैं पूरा हूँ, आप बेबस हैं, सिर्फ अपने अजीज जो भी हैं दौड़ धूप करते हैं तो इनके साथ चलते हैं, इनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए और आपसे इजाज़त चाहूँगा, आदाब। शुक्रिया जनाब जी, यही होते हैं बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन। हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं कि आप इस अवस्था में भी, 72 की उम्र में भी नौजवान बुजुर्ग हैं। मैं ताड़ियों से एक बार सबका बोलता हूँ कि आप गर्व करें। अब अगले हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के तेज तरार नेता, जो जाने जाते हैं अपनी साफ छवि के लिए, सच्चाई के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप से ना माननीय श्री भूरी सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और जिस तरह से उन्होंने इस मिशन की रूपरेखा दी है अपने विचार व्यक्त करें। माननीय श्री भूरी सिंह जी, ताड़ियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। मैं भूरी सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवसेना बाला साहब ठाकरे, साथ में आल पार्टी एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के नाते मैं यहाँ आए हुए सभी आंदोलनकारियों को आज एकता दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में उनको नमन करता हूँ कि ये अपना कीमती समय निकाल करके, मैं सभी लीडर साहबान का आल पार्टी एसोसिएशन का मैं एक एक करके नाम नहीं लूंगा, क्योंकि समय सभी के लिए एक एक करके सारे लुप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले सब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो रेट हैं, जो रेट हैं, ये जो मीडिया कॉन्फ्रेंस किया गया रियासी के अंदर, उन्होंने अपनी पीठ को थपथपाया, मैं उनको जोरदार तरीके से कंडम्ड करता हूं और ये गरीब के साथ धोखाधड़ी मानता हूं। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं श्री कावला सिंह जी का और साथ हमारे आल पार्टी एसोसिएशन का लिए इनका जो योगदान रहा, योगदान हमारा शुरू हुआ था इसी प्लेटफार्म से, अरनास से, और आगे तक हम ये जो सबसे ज़्यादा सहयोग जो रहा हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी मेहता, जो चीफ सेक्रेटरी हैं जेएनके के, और साथ में हमारे दीपका राघव जी हैं आईएएस, जो
जो डिपका जम्मू के हैं, उन्होंने बहुत हम लोगों का आल पार्टी एसोसिएशन का बहुत सपोर्ट किया, जिसके बाद यहाँ तक हम पहुँचे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा डिटेल्स। आज जो एकता दिवस के लिए मैं जो लोग नहीं भी आए हैं हमारे आंदोलनकारी, मैं उनको भी सम्मान करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ऐसे मंच अगर आप लोग मिस करते रहेंगे तो मैं देना हूँ, जो काले काले दिल वाले हैं वो कामयाब होते रहेंगे और हम लोग रोते रहेंगे। मैं उधमपुर का सेंड रेता का सिर्फ तो बहुत है, मैंने देखा है वहाँ पे 4 रुपये हैं, जम्मू में 5 रुपये 5 पैसे हैं, रियासी में जब पहला पुराना रेट था 9 रुपये 35 पैसे और 11 रुपये चार्ज किया जाता था, आज के जो रेट जो नया रेट आए हैं ऐसे तो पहले 8 थे अभी 9 बना दिए गए, 9 प्रकार के रेता बजरी, नाला सैंड, नाला बोल्डर, नाला मॉक RPM, नाला बजरी, क्रशर एग्रीगेट 10 से लेकर 40 mm क्रशर एग्रीगेट, ये पता नहीं कितने के प्रकार के बना दिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये रेट जो रेट है 5 रुपये 75 पैसे 1.5 रुपया जो चार्जेज है लोडिंग चार्जेस 7 रुपये 25 पैसे, जिसका मैं आप बताना चाहूँगा उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है, DC साहब के ऑर्डर में लिखा हुआ एक्सक्लूसिव ऑफ GST। आप मान लीजिए एक्सक्लूसिव GST का मतलब क्या होता है कि वो GST इसके साथ इंक्लूड नहीं है इस रेट के साथ, तो GST लगा के ये 8 रुपये। तो मैंने एक अपना कैलकुलेशन निकाला है, शायद 2-400 अप डाउन हो सकता है, एक प्रीवियस रेट की जो गाड़ी आती थी 9 रुपये 35 पैसे प्लस GST लेकर 200 CFT रेता का आता था 1870 रुपये, लेकिन मेरे साथी ने बताया कि वहाँ जो चार्जिंग होता था 2200 के 2300 रुपये, क्यों कुलवंत जी 2200-2300 रुपये वहाँ चार्ज लेकर 1875 रुपये। मैं सभी जनता को बताना चाहूँगा कि ये फिगर तो कम से कम दिमाग में रखें कि अगर 1875 के बाद अगर ये गाड़ी एक 200 CFT का अगर टिप्पर के रेट कोई चार्ज करता है तो वो क्यों ज़्यादा होता है। अगर आप गहरी नींद में सोए रहेंगे तो हम भी गहरी नींद में सोएंगे, जरूरत हमें तो मकान बना था बना लिया है, और अगर आपको जरूरत है तो आप आए तो हम आपके साथ गरीब के साथ हैं। अभी जो नया रेट जो आया था ये बनकर के 8-7 रुपये 70-75 पैसे कुछ बन जाता है, पुराने के रेट अभी जो गाड़ी जो बन रही है 18 GST अगर लगाते हैं तो 7 रुपये 25 पैसे आपके हिसाब से, और 18% GST 256 रुपये लगा करके 1425 रुपये की गाड़ी मतलब के बनता है, जो GST लगा के 1681.50 रुपये गाड़ी बनता है। अब ये लोग अगर 2000-4000-2500 रुपये दें तो उसमें हम लोगों को जब तक कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं करेगा, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन कभी हमारी ऑल पार्टी एसोसिएशन कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रूफ मांगता है कि आप लाइए। कभी हमारी बात हुई DC साहब से, बात हुई सबसे बात हुई तो उन्होंने बोला भाई आप प्रूफ लाइए, प्रूफ हमारी जनता ने देना नहीं है तो काम होना नहीं है। अभी जो रेट है जो पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी के रेट जो सिर्फ 189 का वायरेशन डिफरेंस है, क्या मानिए आप लोग इसको सहमत हैं? आप बोलिए भाई सभी जोर से बोलो सहमत हैं? आप खुद देखिए, मैं किसी के कोई किसी कंट्रैक्टर से या किसी लीडरशिप से या किसी पार्टी पक्ष से मुझे कोई जीत शरारतबाजी नहीं है, ना मैं शरारत करता हूँ, लेकिन यह गरीब के अगर इस तरह से रोता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ तक कि हम जितनी लड़ाई होगी इसके लिए अगर जनता साथ में आई तो अगर हमारे कावला सिंह जी अगर साथ रहे तो ये सारे जितने लीडर और साहबान हमारे बैठे हुए हैं मैं इनका तय दिल से सभी का स्वागत करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। आज भी देखिए कि जब हम घर से निकले थे तो हम शायद 2-3 जम्मू से निकले थे, क्योंकि हम सच्चे थे तो 1-2 ही निकले थे, आते आते जहाँ 50-100 आदमी 200 हो गया है। तो यही माइनी का भी यही हाल है, माइनी के लिए जो जिनको टॉफी या जिनको कोई बेनिफिट्स मिल रहा है वो चुपचाप करके आर पार के जो चिनकार नाश इनके सभी चुपचाप करके शांति बैठे हुए हैं। अगर ये हम लोग भी इनके तरह बैठ गए चुपचाप करके तो मुझे नहीं लगता है कि ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जारी आंदोलन जनता से रहता है। जनता अगर जनता का साथ नहीं आएगा, जनता अगर डर गई
तो नेता तो पहले ही अंडरग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि जनता के बिना नेता का कोई काम नहीं है। गरीब जनता सामने आए, सभी सरपंच पंच जूनियर डीडीसी बीडीसी से हमारा अनुरोध है कि आप पार्टी पक्ष के विचारधारा अलग करके एकजुट होकर के आज एकता दिवस के ऊपर मैं उनको भी जो डीडीसी बीडीसी जो नहीं आए हैं जो हमारे आंदोलनकारी थे मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जहाँ जरूर दर्शन दें। अगर आप दर्शन नहीं देते हैं तो जनता तय करेगी अगले इलेक्शन में क्या होगा, कौन सरपंच रहेगा, कौन पंच रहेगा, कौन एमएलए रहेगा, ये जनता तय करेगी। अगर जनता फिर भी अपनी वैल्यू को अपनी पावर को नहीं समझा तो फिर हम तो कहेंगे कि भाई जैसे चल रहे वैसे हम भी चलते रहेंगे। इससे ज्यादा मैं और ना कुछ कहते हुए मैं सभी को भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने संबोधित किया मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ताड़ियों के साथ उनका फिर से एक बार स्वागत कीजिए। अब जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में हर मुद्दे में आगे आते हैं, थनपाल से बिलोंग करते हैं, हमारे काफी अजीज हैं, एक यूथ भी हैं, वो सीनियर भी हैं, किस तरह कहिए कि हर मुकाम में वो आगे बढ़ते हैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ताड़ियों की गड़गड़ाहट से हमारे युवा लीडर बलवान सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन कीजिए जो हमेशा सत्य का साथ देते हैं और हमेशा आगे अग्रसरते हैं। मैं माननीय बलवान जी का मंच पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो अपने विचार प्रकट करें, किस तरह इन्होंने माइनिंग से लेके हर एक इश्यूज में गुल अनाज का प्रतिनिधित्व किया है, गरीब की आवाज बन के आए हैं। हम उस ईश्वर अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट करते हैं या अनुरोध करते हैं कि इन्हें दिन रात तरक्की दें। माननीय बलवान सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इस मीटिंग की जो रणनीति हमने ऑल पार्टी एसोसिएशन ने बनाई, मेरे साथियों ये हमारी कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये हमारी जो लड़ाई है यहाँ की गरीब जनता की लड़ाई और गरीब आवाम जनता की लड़ाई है। मैं यहाँ के ऑल पार्टी एसोसिएशन और यहाँ के पंच और सरपंच को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस मुहिम के लिए इस अरनाथ से लेकर रियासी तक ये धरना प्रदर्शन दिया, सबसे ज्यादा मैं उनका यह तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी तीन मात्र शक्ति यहाँ हमारी शबीम बेगम जी। मैं ऐसी सरपंच को दावत देना चाहता हूँ जो इतने भरे पंडाल के अंदर आकर वो अपने गरीब जनता की आवाज उठाकर यहाँ अरनाश के बीच और रियासी के बीच धरना प्रदर्शन में हुए। उसके साथ ही हमारी कुशल्या जी जो अपनी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़कर इस गरीब जनता के लिए इन माता शक्ति ने यहाँ आकर धरना प्रदर्शन के लिए ये जितना भी हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन है वो यहाँ आकर वहां प्रदर्शन में रहे, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी शिवसेना की प्रेजिडेंट यहाँ के मातृ शक्ति संतोष देवी जी जिन्होंने कुछ समय ही राजनीति को ज्वाइन किया मगर फिर भी मैं उनका ये दिल का हौसला जो आज था जनता के बीच में उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों यहाँ के हमारे 1996 से लेकर हम इस संघर्ष की लड़ाई के लिए हम इस संघर्ष से गोलनाथ काशी में लड़ते रहे। हमारे यहाँ के प्रिय नेता श्री कावला सिंह जी, आप लोगों ने इस गरीब की लड़ाई के लिए आप आगे आए और आपने ये फैसला किया कि जहां की जो माइनिंग के रेट जो हैं वो बहुत ज्यादा लूटे जा रहे हैं गरीब जनता से। मैं सबसे पहले ये हमारे प्रिय नेता कावला सिंह जी को ये धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने 1996 से लेकर यहां के प्राण कोट नाड़ कोट टक्की कोट के अंदर उसमें भाजपा के अंदर कोई झंडा नहीं उठाता था। हम कुछ चुनिंदा यहां के कार्यकर्ता थे बीजेपी के, हमारे जंट भी पुलिस स्टेशन के ऊपर नहीं जाते थे मगर कावला सिंह जी ने तन मन धन के आगे यहाँ का बुलंद किया, भाजपा का झंडा बुलंद किया। आज कुछ नेता यहाँ 40 साल के अंदर वो हमारे अपोजिशन बैठे हैं मगर वो कहते थे कि हम भाजपा के बहुत बड़े प्रिय कार्यकर्ता बन चुके हैं। मैं उनको जो कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हर समय विरोध किया, जो सच्चा सच की लड़ाई करने के लिए सच लड़ाई लड़ने के लिए जो आगे आता था नेता उसके खिलाफ आप लोगों ने प्रदर्शन होकर आप लोगों के खिलाफ हुए। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जहां से आपने इलेक्शन लड़ी है यहाँ से आप लोगों ने वोट लिए हैं मगर गरीब जनता के लिए आप एक बार भी रोड पे सड़क के अंदर बाहर नहीं आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो हमारे नेता कावला सिंह जी इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल की, इन्होंने पूरा जीवन जहां जनता के लिए दिया
मगर मैं उनको यह कहना चाहता हूं, कावला जी आप आगे बढ़े, आल पार्टी के एसोसिएशन और पंच और सरपंच और सब लोग आपके साथ हैं, जो आप लीड कर रहे थे उस लीड को आगे लेने के लिए सारी जनता आपके साथ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यहां पे मंच पे बैठे हमारे कावला सिंह जी सीनियर नेता, हमारे यहां के अश्विनी जी, पुलिसा जी, सबसे पहले मैं जो बुजुर्ग हमारे पारमू जी, हमें फोन पे हम बात सुनते थे मगर दर्शन हम मोबाइल नेटवर्क के इनका फोटो देखा मगर मैं जानता जरूर था, मगर ये इन्होंने हर जगह मार्गदर्शन दिया, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ के सरपंच साहब जिन्होंने इस लड़ाई मुहिम के लिए आगे आए, संसार सिंह सरपंच जी इस मायने के लिए यहाँ डट के लड़े, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ ही बैठे जोगिंदर सरपंच जी, यहाँ के पूर्व सरपंच पंचायत धरान के और सीनियर नेता भी हैं, इन्होंने भी कोई पार्टी को नजर देखते हुए लोगों की जनता के साथ आगे खड़े हुए और धरना प्रदर्शन हमारे साथ बैठे हैं, हम इनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे साथ बैठे हुए अल्ताफ जी ने तो कमाल ही किया, उन्होंने तो हर कदम पे इतनी तड़कती धूम में के अंदर यहाँ बैठे और ये इनको वहां बेहोश भी हो गए, मगर जनता यहाँ के कुछ लोग बोलते थे कि ये कुछ ऐसे बोले, मगर उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, हर कदम पे हर जगह जहाँ पे आए धरना प्रदर्शन में बैठे रहे। हमारे युवा नेता जहाँ के हमारे अपना रोमेल सिंह जी, इन्होंने भी बहुत हमारे साथ साथ किया, जो युवा चेहरा थे उसके साथ ही बैठे हमारे माइकल जी भी एक बहुत ही युवा चेहरा नाच के, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन इस बाल पार्टी एसोसिएशन के साथ धरना प्रदर्शन के साथ रहे। अजीत जी को हम कहते थे, अजीत जी जो माइनिंग का रेट हमारे गरीब लोगों को जो लूटा जा रहा है, तो अजीत जी कहते थे कि भैया बलवान जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैंने बोला कि हमारे कावला सिंह ने एक फैसला लिया कि हमने यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़नी है। युवा जो चेहरा हमारे अजीत जी भी हमारे साथ रहे, हमारे सुनील जी, इन्होंने भी बहुत बढ़िया यहाँ हमारा योगदान ही दिया कि हर कंधे से कंधा कर ला कर ये खड़े हो गए। हमारे यहाँ कैप्टन साहब जी, हमारे कलवंत जी, हमारे आयोग के सारे जो साथी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जे प्रेसिडेंट जो शिवसेना के भूरी सिंह जी, क्योंकि नाम तो सभी का लेना, आज मौका मिला है हमारा एक जश्न बनाने का। मैं भूरी सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे बहादुर जी, उसके साथ हमारे सारे शमीम सरपंच जी, ये हमारी महिला मोर्चा के शिवसेना की प्रेसिडेंट संतोष जी, कुशल्या जी, सबका धन्यवाद करना है। साथियों ये लड़ाई हमारी, ये हमारी जो लड़ाई है, ये सिर्फ हमारी यहाँ तक लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमने जाना है। यहाँ का जो रेट जहाँ तय किए गए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, एलजी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उनको जो कहना चाहता हूँ, एलजी साहब यहाँ जिला रियासी के अंदर जो रेट आपने तय किए हैं अभी भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए हमने इस रेट को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके ही हम तय करेंगे कि हमारा जो रेट है। मैं ज्यादा कोई समय ना लेता हुआ, मगर हमारा ये धरना प्रदर्शन आने वाले समय में बिल्कुल हमारा जारी रहेगा, जब तक हमारे जम्मू कश्मीर के बराबर ड्यूटी के बराबर रेट को कम नहीं किया जाता, 3-4 रुपए रेट को कम नहीं किया जाता। यहाँ के अनलीगल जो माइनिंग चल रही है, यहाँ के जो ओवरलोडिंग चल रही है, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन हमारा अभी जारी रहेगा, मगर कुछ राहत जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है जनता को, उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, डीसी साहब रियासी का, एलजी साहब हमारे यहाँ के, एलजी साहब जो है हमारे मनोज सेना जी, उन्होंने भी एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने यहाँ का एक टोल फ्री नंबर भी जनता के लिए रखा हुआ है। मैं जो जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर जो मनमानी से जो रेट लिए जा रहे हैं, मैं जम्बाल को ये कहना चाहता हूँ, जम्बाल जी आप लोग जो गरीब लोगों को लूट रहे हैं 20 रुपए अभी भी रेट ले रहे हैं लोगों से, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो हमारे आल पार्टी एसोसिएशन ये तय करेगी कि उसके लिए जो गरीबों को लूटा जा रहा है, जो जनता अगर आगे आएगी या मीडिया में आएगी या अपनी कंप्लेन लेके आएगी, ये जहां जो आल पार्टी एसोसिएशन उसका पूरा भरपूर साथ देगी। मैं उनका ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो रेट सरकार ने जो तय की है, जो रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन ने तय की है, वो ही रेट आपने देना है, 7.25 रुपए। इसके साथ जो हमारे क्रशर का रेट है, सैंड का जो रेट है, जो बजरी है, जो हमारी 20 mm 10 mm की बजरी, वो भी रेट हमारे 13.25 रुपए हो चुके हैं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, मैं सबसे पहले सीनियर का मार्गदर्शन लेना हमने, इसी बात को मैं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया बलवंत सिंह जी। इसके बाद मैं
रफीक जी जो कि जुड्डा से हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें और वहां पे बैठ के ही बात रखें, इन्होंने काफी हमारा साथ दिया है। मैं सबसे पहले अल्ताफ साहब का जो कैंटी से सरपंच है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, और हमारे सीनियर लीडर जनाब कावला सिंह जी और उनके साथ बैठे हुए शाह जी पारमू साहब और हमारे अरनास के सरपंच संसार जी, दरहान से एक्स सरपंच साहब आशीष जी और जुटा पंचायत से शमीम मैडम खुशालिया जी और संतोष मैडम जी, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अब तो बोलने के लिए हमारे साथियों ने कुछ रखा नहीं, लेकिन मुझे वो पुराना सीन जब याद आता है जब एसएचओ साहब आए तो आशीष जी को बोला आपके खिलाफ बहुत बड़ा केस हो जाएगा। आशीष जी ने कहा कि अगर गरीब आवाम को फायदा होगा और मुझे जेल होगी तो मुझे सबसे अच्छा वही लगेगा। मुझे वो दिन याद है और हम रोड पे बैठे थे, अपना कीमती वक्त निकाला था हमने, तो अचानक अल्ताफ साहब को कुछ हो गया, वहाँ पे गर्मी से काफ़ी गर्मी थी वहाँ पे। ये खाली अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ सबको यहाँ पे। इतनी तो मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं इनकी इनका शुक्रिया अदा करूं, इन्होंने गरीब आवाम के लिए ये जंग लड़ी है। आज तो ठेकेदारों की यह लाइन लगी होनी चाहिए थी, उन्होंने सबसे ज्यादा रेत बजरी अपने रोडों पे लेनी है, लेकिन अपनी अपनी जगह बैठे हैं। ये गरीब आवाम के लिए जंग है, पीएमएवाई मकान अंत्योदया और जो विडोज हैं उनको भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए गवर्नमेंट जो है मोदी साहब ने मकान वगैरह जो दिए वो अगर रेट कम होंगे तो उनके मकान बन सकते हैं। ये सारे जो यहाँ पे बैठे नेता हैं, चाहे कैंठी से हैं, जुड्डा से हैं, चाहे सलाल से हैं, बिड्डा से, कहीं से भी हैं, कटरा से आए हैं, ये गरीब लोगों के लिए आए हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई और अभी भी उठाएंगे। मैं एक लोकल हूँ, लोकल होने की वजह से इनके साथ जुड़ा हूँ ताकि गरीब लोगों को कुछ फायदा हो, और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा दोबारा जब भी यहाँ प्रोग्राम होगा अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, कम से कम आपके एक टिप्पर में बहुत फायदा हो गया। और सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आदाब, शुक्रिया। शुक्रिया रफीक जी। इसके बाद मैं अश्विनी कुमार जी जो के अभी तो कटरा में रहते हैं लेकिन अरनास की शान है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंस हमें भी शेयर करें। हेलो, देखो जी मैं डोगरी बिच गै गल करन, डोगरी बिच गै गल करन, रेटें दे बारे दे सारे ही पता गै कि होया कि नहीं। मैं सारे दे नां दे लैंग नहीं, जेहदा नां लैता ओ खुश, जेहदा नहीं लैता ओ नदा। इस गल्ला सारे गै सज्जने मित्रां दा साथ रिहा, इत्थे अस भी आए, असें भी किया, रेट घटे बधे, चलो ठीक होया, जो रेट दे होया ठीक होया, रेट अली पूरे नहीं होए दे, लेकिन वो लोग कुत्थे गए जेके आदे 2 लाख रुपया भुली शाही देना, कावला सिंह बिकी गया, कुत्थे बिकी गया कावला सिंह, सुनिया? ये सब बकवास नामे, सब झूठ फ्राड है, इस वास्ते ये रेट दे हैं, लेकिन ये इलीगल माइनिंग होवा दी है तुंदे सामने, तुस ओहदे वास्ते नहीं बोला दिया हो, तुसें लोकें लड़ाई करनी है, जदोजहद करनी है इंदे खिलाफ, कोई परवाह नहीं करनी है, कुछ नहीं डरना है। ये अनस्टैंडर्ड मटीरियल ज्यादा है उत्थे उपर है, रेलवे विच, रेलवे विच इंजीनियर बैठे दे, टनल डिगी पिया, साढ़े बच्चे मरी गए, ये पास मटीरियल गै नहीं है ते उत्थे लगा दा है। इन्हें लोकें गी मैं आखना इंदे उपर 302 दफा लाई है इंजीनियरें उपर ते मटीरियल सप्लाई करने आले उपर, इंदे उपर परचा लाई इन्हें अंदर दे दित्ता जाने दा, जगह साढ़ा मुड़ा मरा गया उस टनल दे विच, वो गल्लां तुस कर दे नहीं। रेट क्या रेट है? ये रेट है, रेट उऐ होना 3 रुपए जेड़ा रेट है वो करिए रहना असें इत्थे बिच, जिन्हें मैं जो अनस्टैंडर्ड मटीरियल उपर ला दे बंदे मारे जा दे, कोई नहीं बोला था उनके खिलाफ FIR लगा दी नहीं लगा दी, कावला सिंह बिकी गया, छलिया बिकी गई, सरपंच टिप्पण थोड़ी गया, कोई कुछ सरपंच ही नहीं टिप्पण नहीं दिता,
कोई कुछ इन्हें पैसे जोड़ दिता सारे झूठ फराड मारिए असर लोगों ने त्रोड़ने की गल की मैं इस गल सारे शुक्रिया अदा करना रेट की गल रही असें जदोजहद रखनी है असें पूरी लड़ाई लड़नी है मेरी तंजीम नैशनल कॉन्फ्रेंस भी इस लड़ाई के सामने आई आ पूरे छाना बछाना सामने आओ मैं सारे शुक्रिया अदा करना जय हिंद जय भारत शुक्रिया। इसके बाद मैं पारमो जी जो कि हमारे बीच में काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको और हमारा काफ़ी साथ दिया इन्होंने मैं उनसे गुजारिश करूंगा उस स्टेज पे आएं और अपनी बात रखें। मेरे सारे साथियों कहते हैं संसार में सब संसार है संसार जी की सदारत में सब संसार है तो किसी ने मुझे कहा कि ये पुलिसा जी अरदास से कटरा से आए हैं पारन साहब जम्मू से आए जब मैं यहाँ आया सुबह तो मैंने इस मिट्टी को सर से मार मैंने अपने सिर ठीक है यहाँ ठीक है ये भी हमारे सिर मैंने यह मिट्टी को सिर से हाथ लगाया मैं 1976 में आया हेलो मेरी मेरी यहाँ जमीन है त्रेंसा में 14 कनाल देसा सरपंच ने दी थी दफा 4 भी है और दफा 8 भी है और मैं इसको यहाँ का बाशिंदा इसलिए समझता हूँ कि जब मैं 1976 में यहाँ आया इन लोगों ने प्यार दिया। अब ये जो बच्चे हैं मुझे पूछते हैं मैं कहता हूँ तुम्हारे दादे का क्या नाम है क्योंकि मैं दादे को जानता था या उसका लड़के का क्या जान है बाप बाप को जानता था। तो अब जो दुख हो रहा है मैं बेसिकली एनवायरमेंट मैंने यहाँ 2005 के बाद सियासत छोड़ दी थी मैं और हाजी साहब थे मैंने यही आवाज आ रही है ना मैंने यहाँ यहाँ हॉस्पिटल का क्वार्टर था ये डैम बनने लगा नहीं नहीं मैं शायद गल करें आवाज आनी चाहिए ए बस ठीक है मैं जब यहाँ आया या मैं जिले थे आया हाजी साहब की इलेक्शन लड़ान गई जीती ये मैं जल्द डैम का काम दिखाया तो मेरा सब्जेक्ट था जॉलॉजी मैं अफसर पूछ लगा महाराज तुसे ये डैम तो बना दियो डका दिया दियो ये टनल किन्ने बनाने एदा सिस्टम क्या कि मेरा एक डिसर्टेशन पेपर होंदा वो आखले जी असें तो पानी उपर लेंदे आना 494 तक लैना डुबदा जाए लोग जिसले महाराज ये जिसले इतने 800 रुपया कनाल टेडो वजीर को जमीन लई अस्पताल दी 120 रुपया जाबराना दिता 920 रुपये दी हुई एसएल भट्ट साहब को मैं 7000 रुपया किराया चिरगा वाले भी मैं आख्या दिना उन्हें आख्या जी भीम सिंह साडा है शमशेर सिंह अल भीम सिंह आपू करग मैं क्या करे खैर जिसने 7000 किया एसएल भट्ट ने वो आके लगा जमीन बेची है कोई अमीर नहीं होया जमीन जिस दी गई गया मगर ओदी ताकत उन्नी ही अज देखो तुसे आने वाले बच्चों का सारा फ्यूचर दे उड़िया रोटी खाधी अगले पत्ते खाधी इंज भी प्लानिंग आधी 8-10 पीढ़ियां का तो सोच ला असे तो जेडे 50 पीढ़ियां 1000 पीढ़ियां जड़िया रोटी खाधी आई असे अगले जान वाले बच्चों का बेकार जमीन गई उन्हें आख लें जी हिंदुस्तान ही रोशन करना है रोशनी देनी है जिया कोई आखा था नेशनल इंटरेस्ट हूं भी साढ़े आखा दे भारत माता के लिए उन्हें आख्या अच्छा भारत माता के लिए दो बच्चे अस वी उड़ने तो बच्चे उन्हें सभा करी उड़े जमीन दे उड़ी डैम बिच आई आख लगे नौकरियां देंगे नौकरियां इतों दिया नहीं लगियां नौकरियां रियासी और बाहर के लोगों की लगियां फिर जिसले डैम बनने लगा अच्छा मी पता है कि चिलका का बेस कितने आ अरनास का बेस कितने आ मंदिर कितने आ मंदिर का पानी उपरा खला किया कि चढ़िया हूँ ये लोग पहली डीसी ने आख्या ये जेडे प्लाट दिते ना इन्हें ये आखदे जी गैर मुमकिन जाट सरकारी असें क्या वो गैर मुमकिन के सवाल वाले ले दी है मोती राम की दे दी है टोडू वजीर की ले दी है पार की ले दी है राह की संत राम की ले दी है सलाल की ले दी है कोड़ी तक ले दी है अपने इतने अपने नरलू का पुल तो नहीं है नरलू का अंश है नरलू के पिछे नरलू परे जाइए तक ले दी है नाले सुच तक इधरों कभी तक ले दी है तो थले ले दी है यह इतों अपना ले दा रड़ नाला असे दस दिन जेडे घरे दे सुनिया घर आसा वाले सुनिया वो दे आदे आदे थोड़ी जमीन ही सरकारी जमीन है इन्हें कबले किए हूँ रेट की मैं बाद ही गल कर
ये रेत जड़ी है, एक दाना भी रेत नहीं बनाई सकते अस। रेत का एक अपना महत्व होता है, रेत पानी विचा नहीं कढ़नी, रेत उन्नी कढ़नी जड़ी सालाना आवे। साड़ी 1990 दे बाद दिसंबर चलो हाड़ आया हा तो नरलो का ब्रिज और उपर किया, तुम्हें तो सारा पता है, ये पुल भी पता है, मछुए भी पता है, ते उदे बाद मलबा नहीं आया घाटा वादा। अगर ये 3 फुट कढ़ा देने साल का 3 फुट मलबा आंदा है, असें उन्ना मलबा कढ़ना जिन्ना कढ़ना। बाकी रूल यह आखदा कि पंचायत नूं पहले दिओ, असां एक हैक्टर सारे पंचायत ही दिओ, वह मलबा बेचणगे 5-7 रुपए रेट। दूसरी गल, जेल्ले पीडब्ल्यूडी दे ठेके होंदे ना, उहदे पीडब्ल्यूडी शड्यूल होंदा, इस तरह रेट इहां कियां बनाया। देखो गज तो एक ही है ना, अगर गज मापन वाला कठुए च बकरा गज है, जम्मू च बकरा गज है, उधमपुर च बकरा गज है, रियासी च बकरा गज है, चोरिया का गज 1.5 गज़ा वड्डा गज होंदा। और दूसरी गल, साडी जिहड़ी तबाहियां हो रही है, मैं सियासत की गल नहीं करता, मैं चढ़ बैठे दा, मैं एनवायरमेंट की गल कर रहा। पर्यावरण जंगल तबाह कर दिते, इलाले पार कैपसांग कंपनी विच प्रेम सिंह की जमीन ले 10 किनारी 15 किनारी सरकारी और दूजी 10 किनारी, ये आदे उदे चासा 3 साल बजरी कढ़ी उड़ी। वो गत किते है, गत होना चाहिदा, हले लुट मार मारी इन्होंने। हुण मैं तुसें एडमिनिस्ट्रेशन की गल सुनांदा दोए पासे, क्योंकि मैं सिंगल आईडी एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखी, सैक्रेटरीट भी दिखिया, नौकरी भी की। डीसी और ये असें बुद्धू बना दे, ईवन DDC के बारे च बोलिया इन्हें, मैं उनके खिलाफ नहीं बोला था। उनके जरा DC चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर चेयरमैन, ओदी पावर है, ओदे अंडर DC है, ओदे अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है। जब तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साढ़े उपर आता उस DC आता चेयरमैन, हूँ जिसने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर चेयरमैन रहा, ये नकारी और नाकाबलीयत है कि वह DC के डिस्ट्रिक्ट अफसरों नहीं बुला, 3-3 महीने उन्होंने बुला के मीटिंग नहीं बुला, महीने उन्होंने रिपोर्ट नहीं बुला। DDC साहब का यह फर्ज है, मैं क्रिटिसिजम नहीं कर रहा, मैं उन्होंने आगाह कर रहा। उन्होंने ब्लॉक दिया कमेटिया हुई, जेडे ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटिया ने इनकी मीटिंग हुई, प्लान जरा लेना होंगे, मैं ज्यादा टाइम ला रहा, प्लान जरा लेना होंगे वह इन्होंने थलियों प्लान लेना होंगे, वह इन्होंने DC BDO ने इंप्लीमेंट करना है, BDO ने सारे लैके DC ने या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन जड़े नाग सिंह साढ़े, इन्होंने प्रोजेक्ट कंसालीडेटेड करके प्लानिंग ऑफिसर को कंसालीडेट करके हर सैक्टर दे इन्होंने वो देने होंगे। असें शेख अब्दुल्ला ने 1977 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनाए हैं, असें हाजी साहब जानते, मैं भी गया, अस पढ़ते हैं कि प्लानिंग होंगी है, अस स्कूल खिलाफ करती प्लानिंग दा दिंदे कितने पानी लगना है, कितने के लगना है, ये नकारा जमातन। अगर DC साहब ये सोचता है, तुसी परसों कोई कहले DC साहब ने रेट कम किया, मैं डॉक्टर अरुण मेहता दे नाल गल कराई, चिट्ठी लिखी, मैं क्या पहले तो चोर निकले, तू अपने सिर ना क्यों चोर बनना, तू अपने सिर क्यों चोर बनना। और ये उसकी टेलीफोन है, अगर रिकॉर्ड देखते हो, अगर रिकॉर्ड दे दे DC साहब नूं पुछो तेरे किन्ने टेलीफोन होते हो, ड्यूकाम नूं किन्ने हो, सारे नाल तो रेट बढ़े। ये इन्होंने आर्डर कढ़िया हॉटलाइन कि जिहड़ा ज्यादा भा लेगा वो भी ड्यूक उसने DC उसने चीफ सैकटरी ने कराया है, कोई क्रेडिट मत लो लोगों की, जो थोड़ी आवाज। फिर उन्होंने कहा है कि अगर कोई कंप्लेट है ये लगेगा जॉलजिस्ट, ये लगेगा जॉलजिस्ट, इतने जानी माइनिंग करते पे न, इतों का जोड़ा डिस्ट्रिक्ट अफसर है पहला वो लिंक मिलटर है, असी लोग दो तुसी लोग दो मुसीबत के शिकार हो, एक मिलटेंसी 100 आदमी मरिया, इतने बुलंदखंड के 20 आदमी मरे, तुसा भी लड़िया, PSO भी बने, दुई जड़ी कलमी मार है DC की रेवन्यू डिपार्टमेंट की, ये दूजे मिलटेंट न, ये मैं कह रहा। अरे इतने एक SI होंदा रहा, इतने एक होंदा रहा शागूल थाना होंदा हमोर, ये जगह जगह SSP DSP वो DSP के सामने पिछले DSP ने एक कैप्सान कंपनी का मलबा निकालिया कढ़िया, मैं DC नूं कहा इतने SHO साहब कोई लगे थे शर्मा साहब,
आज मेरी प्रमोशन होनी है ते मैं नहीं किसी भी करता नोट जड़े पादा वो कौन पादा थाने एजेंट ये मेरे पुत्र ही अजकल एजेंट न थाने जा रहे हैं थाने वाले आखते असि नहीं गिरफ्तार करके इन्हें ये नहीं पता है कि असे जिले उपर लिखा अलियास लिखा देनी है जिसले अस उपर लिख गए मेरे वेले सर थोड़े वेले ज्यादा नहीं वक्त होए इतने एस डी पी होता रहा दाता जी गंजू शाल साहब श्री निवासन हाँ डॉली के रजिंद्रा असे और दिखे दे एज ए डी एस पी हूँ ये डी एस पी आखा दे असि नहीं अंदर करी उड़ गए वो भाई तुस ते अंदर कर गए असें डी एस पी भर्ती कराए दे मना कराई दी साडा इज्जत है तुसें करनी साडा काम है अफसर की इज्जत करनी मगर वह मतलब है असें इज्जत लैनी भी है असें हूँ इतने तो लोड़ कोई गड़बड़ हो गई है ये टेलीफोन करा दे हम देखेंगे वो भाई तुस पुजियो उसने एक एस आई दौड़ता इस करके रेट घटे नहीं दूसरी गल जी अश्विनी जी ने आखिया बड़ी अच्छी आखी ये सेडिमेंटेशन की क्लासीफिकेशन होती है जी रेत आती ना बजरी इसी अस आखने जॉलजी सेडिमेंटेशन यदि क्लासीफिकेशन होती है लास्ट में मिट्टी बनती है वो थोड़ा इन्ना रेत फिर जी ये दसा रहा क्लासीफिकेशन ये क्लासीफिकेशन गलत दसा रहा यह जी रेत जानी चाहिए उत्थे ये धो तो के जानी चाहिए जड़ी कंक्रीट भी जाती है वो धो तो के जानी होती है इनकी रेत लगते ही डिगी जाती है असा रेट वो ही रखना एको गज अगर जम्मू का रेट रखना है जेड़ा जम्मू आखिर दसनगे ना जम्मू में निकालने का कितना एनालिसिस होता है फिर निकालने के बाद भरने का कितना कितनी दूर से लाया उथे उथू ले आना है तो चार रुपये है इतने इतू ले ज्यादा हो गया हाँ वो चार रुपये उथे चार रुपये इतने दूरू ले आना है नहीं है घर ले आना इतू कटना इतने पाना उसे आखते नहीं मारे थोड़ा अठ रुपये हो पंद्रह रुपये हो गड्डिया रस्ते च लगी दी जगह जगह ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकती इन्हें कोई कोई नहीं करता पिया वो डीसी नहीं करता इन्हें इन्हें शर्स लभी जाती है पौआ लभी जाता है आखिर नहीं मैं रोज दिखना आज उसको पचास ग्राम चिट्टा मिला वो भाई तू यार किसी गड्डी भी जा रहा है चिट्टा किया लभा तीन बोतलें शराब मिली हाँ जी अगर तीन बोतलें मिली इन गड्डिया ने रस्ता बंद किए दा है सड़क उपर बसा रुका दिया ट्रक रुका दे दुए रुका दे एम्बुलेंस कोई बीमार हो आया वो रुका दी वो इन्हें नहीं लभदी इन्हें पैसे पवा दे वक्त आ गया तुसी जागे हो बाकी कई लोग आखते लोट का घट न लोग की हो सा इतबार खत्म हो अगर एक बंदा भी होगा असें ओदी आवाज बननी है परमात्मा के जेडे चेले या परमात्मा ही है एको आवाज होंगी तुसे उंदी आवाज बननी है और जदोजहद करनी है मैं ज्यादा थोड़ी गल नहीं कर रहा मैंने मैं तुसे दसिया जंगल इन्हें क्या किया कैप्सन कंपनी का उसे कन्ने जंगल है 500-430 मीटर इन्हें दसा जी 1.5 किलोमीटर दूर है क्या आखिए इन्हें ये जंगल तबाह किए माड़ी विचों जंगल सड़क लगे बना 2 किलोमीटर कटी है जंगल विचा आखने वो यार जंगल विचों आने असि क्या पता की होया हरपाल उपर सड़क जा रही है ना साइलैंड महाराज किन्ना मलबा थले सुटिया किन्ने बूटे वडे अफसर आ रहे असें कख नहीं लभा ये मिलिटेंट ने क्यों मिलिटेंट ने वो गोली चला के दो मर गए ये तो सारी आने वाली नस्लां खत्म करा दे इस करके डटे रहो मैं मेरी एक एनजीओ है जी मैं कहना इतने बनी 40 साल की है सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरनेशनल है मैं वो लड़ा ना मैं इसकी निशानदेही करवानी है ये नहीं कर रहा था डीसी मैं डीसी के बाद फाइनेंशियल कमीशन की चिट्ठी भेजी पहली वाली डीसी भी कागज ने इन्हें नहीं की थी मैं हूँ अरुण कुमार ने की थी मैं तेनू हूँ ये तीनों चारों लै के सुप्रीम कोर्ट ही जाना इन्हें हाई कोर्ट ही जाना मैं ना महाराज ये तो रिश्वत खाते नहीं देखो की हो नहीं ना डरते मैं NGTP भी जा रहा मैं कल ही जॉलजिस्टा कन्ने गल की थी कि भाई तुसी मेरी भी जॉलजी सब्जेक्ट है पर कन्फर्म करना ना मैं क्या दुआ ही करके असी दसांगे कि के हुंदा पिया इन्होंने तुहाडा भाग्य तुहाडे बच्चों का फ्यूचर तबाह किया है ये दरिया का रस्ता बदल गया रेता बनाइए देन रेता नहीं बन सकता
बूटे इन्होंने वढ़ी उड़े। मैं आया सलाल वाल, आया सलाल के पिछले पासे, तुसे देखा ना चीड़ा नहीं उगा दी है, खत्म हो गए। तुस देखो इतने धड़ूनी आती रही, धड़ूनिया आदि रही, अज वो धड़ूनिया नहीं, कितने गई, किसने कीतिया? इतने पार जंगले च मकान बनाए न, अमीर आदमी गरीब बनाए तो चुप होने, अरे चलो यार बेचारे ने बनाई उड़े, हाँ चुट्टे तो अफसर बनाए, फिर आधे कख नहीं होया, जदे याद करो कोई नहीं डरो, इन्हें घसीट गए, इन्हें कोला काम लेना अफसर साढ़े, असे ही कोई बदतमीजी गल नहीं करांगे, लेकिन अगर इन्होंने बदतमीजी की थी, ते फिर अस भी पुट्ठे नहीं है, मैं भी बुरा होते, वो आखा दा हा हैलो, वो आखा दा मैं नूर मोहम्मद मेरा, मैं जी 72 साल का, इन्हें आखिया यार ये तो पत्थरे नहीं लता कब्बा दिया, मैं 75 टपी दा, मैं 75 टपी दा, अजी भी चलना कश्मीर जाना, प्हाड़े जाना, आंदा जाना, पर्यावरण देखना, सियासत नहीं, लोग पूछते, लेकिन जिसले अब मेरा घर तबाह हो रहा है, जिथे मेरी घरवाली ने इतने भी नौकरी की थी, मोहर भी की थी, बच्चे की थी, अज मेरा मुड़ा आखा दा हमें, वो महाराज एक चुड्डे का फोटो लिया, सोहाले का लिया, मैं तू के लैना वे, कह लगा नहीं दिल करता दिखे, ठीक है, जितना रोटी खाधी और रोटी मेरी है कि कुदर रोटी है, बस बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज्यादा टाइम ले लिया, किसी वेले जरूर कोई सारे खड़ोवांगे, जरूर शुक्रिया। शुक्रिया। इसके बाद जोगिंदर सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी बात रखें।